ओके okay, वो सिर्फ रो की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता था नाउ इन इन केस ऑफ डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम में क्या है हम रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं राइट वे कॉलम्स कैन हैव डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स जहाँ पे कॉलम्स क्या कंटेन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा को कंटेन कर रहे हैं फाइन जैसे आप इस पिक्चर में देखो यहाँ पे नेम कॉलम में क्या है स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं टीम में स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं नंबर में क्या है फ्लोट वैल्यूज़ हैं पोजीशन में आपके स्ट्रिंग वैल्यू है एज के अंदर आपके क्या है फ्लोट वैल्यूज है तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स कंटेन कर रहे हैं ओके डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज कंटेन कर रहे हैं इसलिए डेटा फ्रेम क्या है कैसा डेटा कंटेन करता है हेटेरोजेनियस डेटा ओके पर हमने जब सीरीज किया था तो वो क्या कंटेन करता था होमोजेनियस डेटा राइट right? तो ये भी डिफरेंस हो गया कि सीरीज क्या है वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है डेटा फ्रेम क्या है टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है ओके डेटा फ्रेम कैसा डेटा कंटेन करता है हेट्रोजीनियस डेटा कंटेन करता है सीरीज कैसा डेटा कंटेंट कर, uh, करता है सीरीज होमोजीनियस डेटा को कंटेन करता है फाइन इट इज सिमिलर टू अस्प्रेस और एन एस्क्रिल टेबल तो ये डेटा फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा है स्प्रेसिट के जैसा या आप कह सकते हैं एस्क्रिल टेबल के जैसा है फाइन अब यहाँ पे देखो एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है ओके दीज आर द कॉलम नेम्स और यू कैन से कॉलम इंडेक्स इसको हम कॉलम नेम भी कह सकते हैं कॉलम इंडेक्स भी कह सकते हैं और यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या है हमारा रो इंडेक्स है फाइन ओके सो इन इन डेटा फ्रेम द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड क्या यूज होता है आइडेंटिता है? है तो यहाँ पे क्या है row index, को करें और कॉलम इंडेक्स क्या करें कॉलम्स को आइडेंटिफाई करें ओके okay? of data frame. Okay, it has two indexes. हमें पता है इसके दो इंडेक्स होते हैं row index and column index. या फिर आप कह सकते हो two axes.

आइडेंटिफिएबल विद द कम्बिनेशन ऑफ रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स ओके तो ये किसकी तरह, तरह होता है जहां पे जितनी भी वैल्यूज है वो कैसे आइडेंटिफाई होंगी वो कॉम्बिनेशन ऑफ रो इंडेक्स से आइडेंटिफाई होंगी जैसे आप स्प्रेडशीट करते हो तो अगर किसी स्प्रेडशीट का आपको नेम देना है ओके okay? किसी सेल का नेम देना है तो वो कैसे देते हो सेल का नेम आप कैसे दोगे आप कॉलम नेम दोगे एंड रो नेम दोगे लाइक ए वन ए टू ओके okay. ऐसे आप देते हो फाइन तो यहाँ पे भी अगर आपको आ, किसी भी डेटा को क्या करना है एक्सेस करना है फाइन तो आप क्या दोगे उसका रो इंडेक्स दोगे एंड कॉलम इंडेक्स दोगे ओके द रो इंडेक्स इज नॉन एज इंडेक्स इन जनरल तो रो इंडेक्स को जर्नली हम इंडेक्स ही बोलते हैं कॉलम इंडेक्स इज कॉल्ड द कॉलम नेम और कॉलम इंडेक्स को हम कॉलम नेम भी बोल सकते हैं Fine, समझ आया तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू एक्सेस करनी है डेटा फ्रेम में से तो आपको क्या करना पड़ेगा रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स दोनों देने पड़ेंगे ओके okay? तब आपकी वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हो इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे जब हम फंक्शंस uh, करेंगे डेटा फ्रेम के ओके okay? द इंडेक्सिस कैन बी ऑफ नंबर्स और लेटर्स और स्ट्रिंग ओके तो इंडेक्स में आप नंबर्स को भी यूज कर सकते हो लेटर्स को भी यूज कर सकते हो स्ट्रिंग्स को भी यूज कर सकते हो बाय डिफॉल्ट जो अगर आप एक्सप्लीसिटली कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है आ, ये नंबर्स फॉर्म में आता है और नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं राइट right? देर इज़ नो कंडीशन ऑफ हैविंग ऑल डेटा ऑफ सेम टाइप अक्रॉस कॉलम्स इट्स कॉलम कैन हैव डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स ओके वी नो इट वेरी वेल हम जानते हैं कि इसमें जो डेटा जो कॉलम्स का डेटा होता है वो क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा डेटा फ्रेम कंटेन करता है इसलिए इसको हेटरोजेनियस कहा जाता है फाइन यू कैन इज़ली चेंज इट्स वैल्यू दैट इज इट इज वैल्यू म्यूटेबल हम डेटा फ्रेम की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं इसलिए उसको वैल्यू म्यूटेबल भी कहा जाता है फाइन डिलीट रोज एंड कॉलम्स इन अम हम डेटा uh, फ्रेम में रोज एंड कॉलम्स को एड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं ओके इन अदर वर्स इट इज साइज म्यूटेबल तो यहाँ पे क्या है हम उसके साइज में भी चेंज कर सकते हैं इसलिए उसको साइज म्यूटेबल भी कहा जाता है फाइन तो ये क्या है डेटा फ्रेम की ओके नाउ वी हैव क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग अ डेटा फ्रेम नाउ वी विल डू डिफरेंट वेज टू क्रिएट डेटा फ्रेम ओके अब यहाँ पे हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो क्या है क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज हमें डेटा फ्रेम किससे बनाना है सीरीज की डिक्शनरी से फाइन तो यहाँ पे क्या है हमको सबसे पहले क्या क्रिएट करनी है सीरीज क्रिएट करनी है ओके okay? फिर सीरीज की हमें क्या क्रिएट करनी है डिक्शनरी बनानी है हमें सबसे पहले सीरीज को बनाना है फाइन सीरीज को बनाने के बाद हम उसकी डिक्शनरी बनाएंगे और उस डिक्शनरी से हम बनाएंगे डेटा फ्रेम अंडरस्टूड सबसे पहले सीरीज बनाएंगे सीरीज से डिक्शनरी बनाएंगे और डिक्शनरी से हम बनाएंगे डेटा फ्रेम फाइन ओके okay. तो यहाँ पे देखो इम्पोर्ट पांडास एस पी डी हमने पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया क्योंकि उसके फंक्शन हमें चाहिए इम्पोर्ट नम्पाई एस एन पी और हमने नम्पाई को भी इम्पोर्ट कर लिया फाइन ओके ओके नाउ सबसे पहले हमने क्या किया पीडी डॉट सीरीज पांडास लाइब्रेरी का सीरीज सीरीज uh, के फंक्शन को यूज किया इसका यूज होता है इससे सीरीज uh, फंक्शन में जो भी आप सीक्वेंस ऑफ वैल्यू डालोगे वो इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है सीरीज में कन्वर्ट कर देता है ओके okay? तो यहाँ पे हमने इसके अंदर कुछ वैल्यूज को पास कर दिया लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास कर दिया फाइन और इंडेक्स इंडेक्स पैरामीटर आपने खुद से दिया है उसको डिफाइन किया है ओके okay? क्योंकि यहाँ पे हम क्या जाते हैं अगर आप इंडेक्स नहीं दोगे तो डिफॉल्ट इंडेक्स आएगा जीरो वन टू थ्री ओके लेकिन हम हम अपना खुद का इंडेक्स यहाँ पे देना चाहते हैं तो हमने इंडेक्स पैरामीटर भी पास किया है उसमें हमने इंडेक्स वैल्यूज दे दी डेली मुंबई कोलकाता एंड चेन्नई Fine. तो सीरीज फंक्शन क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा सीरीज में और जो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी पॉपुलेशन वेरिएबल में अब पॉपुलेशन क्या बन गया है एक सीरीज बन गई है फाइन तो हमने फर्स्ट सीरीज क्रिएट कर ली नाउ एवरेज इनकम सॉरी एवरेज इनकम तो वेरिएबल है हमारा हमने सेकंड सीरीज क्रिएट कैसे की पी डी पांडास लाइब्रेरी के सीरीज फंक्शन में हमने एको सिक्वेंस को पास किया अगेन हमने इंडेक्स पैरामीटर को पास किया और इंडेक्स वैल्यूज को पास किया फाइन तो ये क्या करेगा इसको कन्वर्ट कर देगा किस में सीरीज में ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी सीरीज में और वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी एवरेज इनकम वेरिएबल में जाके तो अब हमारी ये सेकंड सीरीज क्रिएट हो गई हमने दो सीरीज क्रिएट कर ली ओके okay, नेक्स्ट क्या किया हमने एवरेज इनकम को डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन से फाइन एवरेज इनकम जो भी है ओके okay, वैल्यूज उसको डिवाइड कर दिया हमने पॉपुलेशन से अब जो रिजल्ट आएगा ओके okay, वो किसमें स्टोर होगा वो पर कैपिटा में स्टोर होगा तो ये हमारी थर्ड सीरीज है पर कैपिटा आपकी थर्ड सीरीज क्रिएट हो गई है फाइन अब आपको सिंपली क्या करना है इन जो भी सीरीज बनाई है उसको उसका आपको क्या बनाना है उसको आपको बनाना है डिक्शनरी फाइन तो आपने क्या किया डिक्ट के अंदर ओके okay. डिक्ट के अंदर आपने इसको क्या कर दिया जो आ, ये जो आपकी आ, ये इसको पास कर दिया देखो यहाँ पे हमने क्या किया एक वेरिएबल या डिक्ट ओके okay. तो ये हमारा क्या है? ये डिक्शनरी बनाने का हमारा मेथड है फाइन ओके okay. तो हमने की ले लिया पॉपुलेशन अपनी तरफ से और उसके अंदर पास कर दिया और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है पॉपुलेशन सीरीज अंडरस्टूड एवरेज इनकम हम हमारा क्या है की और आ, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है सीरीज सेकंड सेकंड वाली हमारी सीरीज जो एवरेज इनकम की है फिर पर कैपिटा इनकम हमारी की है और जो थर्ड इसकी जो इसकी वैल्यू है वो क्या है पर कैपिटा जो सीरीज है समझ आया यहाँ पे हमने तीन सीरीज क्रिएट की थी और उन तीन सीरीज को हमने एज अ वैल्यू डिक्शनरी में ले लिया है ओके हमने एज अ वैल्यू डिक्शनरी में उसको ले लिया है फाइन ओके ओके अब हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई ओके तो नेक्स्ट स्टेप क्या है सबसे पहले हमने सीरीज को क्रिएट किया फिर हमने डिक्शनरी को क्रिएट किया ये हमारे हो गया, को क्रिएट किया, अब हम क्या करेंगे? डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाएंगे तो हमने क्या किया पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास कर दिया ओके? हमेशा ध्यान रखना ये जो डेटा फ्रेम फंक्शन जो आप यूज कर रहे हैं उसमें डी एंड एफ क्या होता है कैपिटल होता है ओके तो डेटा फ्रेम फंक्शन क्या करेगा इस डिक्शनरी को कन्वर्ट कर देगा किसमें डेटा फ्रेम में फाइन जो जहां जा, कहा जा जाके स्टोर हो जाएगा डी टी एफ वेरिएबल के अंदर ओके okay? ओके अब हमने क्या किया डी को जो हमारा डेटा फ्रेम बनाया है उसको प्रिंट करा दिया ओके बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन प्रिंट फंक्शन का यूज किया उसको प्रिंट करा दिया समझ आया सबसे पहले हमने तीन सीरीज क्रिएट की ओके उस सीरीज को एज अ वैल्यू हमने डिक्शनरी में डाला और डिक्शनरी क्रिएट की और उस डिक्शनरी को हमने डेटा फ्रेम फंक्शन में पास कर दिया तो डेटा फ्रेम फंक्शन डिक्शनरी को किस में कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ पे डी हमारा क्या है डेटा फ्रेम है इसको हमने प्रिंट करा दिया अब देखो ये हमारा आउटपुट आया है तो यहां पे हम क्या नोटिस करेंगे इंडेक्स वैल्य। जो की इंडेक्स वैल्यू वैल्यू जो की थी डेली मुंबई कोलकाता एंड चेन्नई ओके हैव बिकम रो इंडेक्स वैल्यू वो क्या बन चुकी है सीरीज की इंडेक्स वैल्यू अब किसकी इंडेक्स वैल्यू बन चुकी है रोज की इंडेक्स वैल्यू बन चुकी है फाइन रोज की इंडेक्स वैल्यू बन चुकी है ओके okay? नाउ आ, और जो हमारी की वैल्यू थी की वैल्यू डिक्शनरी की जो की वैल्यू थी जो हमने दी थी यहाँ पे पॉपुलेशन एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम वो क्या बन गई है कॉलम की कॉलम नेम या कॉलम इंडेक्स समझ आया सीरीज का इंडेक्स बन गया हमारा रोज का इंडेक्स डेटा फ्रेम में और जो हमने डिक्शनरी के अंदर कीज दी थी वो क्या बन गई कॉलम नेम ओके समझ आया ओके okay, तो ये हमारा क्या क्रिएट हो गया हमारा ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हमें डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करना है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है ओके okay, तो सबसे पहले आपने क्या किया पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया एज अ पीडी उसका अल्टरनेट नेम ओके पीडी क्या है पांडास लाइब्रेरी का अल्टरनेट नेम अब हमने यहाँ पे क्या लिया लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज यहाँ पे हमने लिस्ट वेरिएबल लिया है ओके okay. ये हमारा लिस्ट क्रिएट हम कर रहे हैं लेकिन जो लिस्ट की वैल्यूज है वो क्या है वो है डिक्शनरी वो इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरीज है यहाँ पे हमने थ्री डिक्शनरीज डिक्शनरीज ली है फाइन और ईच डिक्शनरी कंटेन टू की वैल्यू पेयर तीन डिक्शनरी है वन देखो वन टू एंड थ्री हमारे पास यहाँ पे तीन डिक्शनरी है और ये तीनों किसकी है वैल्यू है लिस्ट की वैल्यू है और जो जो ईच डिक्शनरी है मतलब हर डिक्शनरी में क्या है दो वैल्यू की वैल्यू पेयर है यहाँ पे देखो नेम की है दीप्ति क्या है वैल्यू सर नेम की है शर्मा क्या है वैल्यू ऐसे ही uh, सेकेंड डिक्शनरी में नेम क्या है की पूजा क्या है वैल्यू लाइक दिस ओके राइट हमने लिस्ट क्रिएट की फाइन लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हमने क्रिएट लिस्ट uh, किसकी है डिक्शनरीज की लिस्ट है ओके okay? अब हमें क्या करना है इस लिस्ट को करना है, okay? तो आप क्या करोगे पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर आप ये uh, जो लिस्ट वेरिएबल है इसको पास कर दोगे ओके okay? और ये लिस्ट वेरिएबल क्या कंटेन करता है लिस्ट क्या कर रहा है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज फाइन तो डेटा फ्रेम फंक्शन क्या करेगा इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें डेटा फ्रेम में जो जहा कहा जाके स्टोर हो जाएगा डी एफ वन में राइट नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है हमने प्रिंट करा दिया डेटा फ्रेम को फाइन तो अब यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है ओके अब यहाँ पे देखो जो कीज थी जो इसके अंदर लिस्ट की जो वैल्यूज थी वो डिक्शनरी थी तो डिक्शनरी के अंदर जो कीज थी नेम एंड नेम वो क्या बन गई हमारी कॉलम्स की नेम बन गई है ये कॉलम्स का इंडेक्स बन गया है फाइन और जो रोज है वो क्या कंटेन कर रहा है डिफॉल्ट इंडेक्स कंटेन कर रहा है तो आप ना आउटपुट के ऊपर मत जाना कि कहाँ पे नेम आएगा कहाँ पे सर नेम आएगा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इसका आउटपुट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा सिंपली आपसे प्रोग्राम पूछा जा सकता है कि आपको कैसे क्रिएट करना है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से डेटा फ्रेम सिंपली ओके ओके नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम डॉट सीएसवी फाइल ओके सीएसवी फाइल्स कौन सी होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स वो फाइल जहां पे आप डेटा uh, किस फॉर्म में कंटेन करते हो जो वैल्यूज होती है जो डेटा होता है वो एक दूसरे से कोमा की हेल्प से सेपरेट किया जाता है फाइन ओके सी एस वी फाइल्स आर टेक्स फाइल्स सी एस वी फाइल्स क्या होती है टेक्स फाइल्स होती है विद इंफॉर्मेशन सेपरेटेड बाय कोमा जो उसके अंदर डेटा होता है उसको एक दूसरे से कोमा की है सेपरेट किया जाता है और इस फाइल की को सेव किया जाता है विद एक्सटेंशन डॉट सी एस ओके डॉट सी एस वी से इसको सेव किया जाता है You can create a CSV file by saving data of an MS MSXSS file in CSV format. अब हम MS Excel को simply अगर uh, save as command देकर .csv extension लगाके save करते हैं तो वो क्या बन जाएगी? CSV file बन जाएगी fine. ओके एस कमांड फ्रॉम फाइल टैब मेन्यू एंड सेलेक्ट सेव एस टाइप ए सीएसवी फॉर्मेट तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको किसी एक्सेल फाइल को सीएसवी फाइल बनाना है तो आप सिंपली क्या करोगे सेव एस कमांड दोगे और uh, uh, उस डॉक्यूमेंट या फाइल डॉक्यूमेंट uh, का नाम देके डॉट सीएसवी एक्सटेंशन उसके आगे लगा दो फाइन तो वो क्या बन जाएगा सीएसवी फाइल बन जाएगा फाइन वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ सी एस वी फाइल बाई यूजिंग एनी टैक्स एडिटर सच एस नोट पैड हम नोट पैड किसी भी टैक्स एडिटर uh, की हेल्प से सी एस वी फाइल क्रिएट कर सकते हैं ओके okay? uh, और आप नोट पैड यूज करके भी इसको क्रिएट कर सकते हैं एंटर द टैक्स डेटा यू वॉन्ट द फाइल टू कंटेन आपको क्या करना है उसके अंदर टैक्स डेटा आपको लिखना है ओके okay? एंटर करना है जो आप अपनी फाइल में दिखाना चाहते हो सेपरेटिंग ईच वैल्यू विद द कोमा लेकिन वहां पे क्या डेटा किस फॉर्म में आना चाहिए जो भी आप लिखोगे स्ट्रिंग वैल्यू उसके बाद आपको क्या लगाना है कोमा जैसे पे रोल नंबर कोमा 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 एस नेम डीओबी देन वन, कोमा, ओके ओके सेपरेटिंग ईच वैल्यू विद अ कोमा एंड ईच रो विद अ न्यू लाइन और आ, क्या करना है एक लाइन फिनिश होकर आपको एंटर प्रेस करना है नेक्स्ट लाइन में जाना है सेव द फाइल विदेंशन डॉट सी एस पी और जो भी आपकी फाइल आप ऐसे बनाते हो नोटपैड पर पे पे किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे एक तो उसमें क्या करना है आपको वैल्यूज को कोमा लगा के सेपरेट करना है और आपको जब सेवेस करोगे तो उस फाइल के नेम के आगे एक्सटेंशन लगानी है डॉट सीएसवी कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल फाइन ओके तो हम क्या करेंगे सीएसबी फाइल से डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे ओके okay, तो हम देखते हैं कि सी एस वी फाइल से कैसे क्रिएट करना है डेटा फ्रेम सबसे पहले आपने क्या किया इम्पोर्ट पांडास एस पी डी आपने पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया ओके okay? अब नेक्स्ट स्टेप स्टेप क्या है डेटा फ्रेम क्रिएट करना तो यहाँ पे हम पांडास लाइब्रेरी का री रीड अंडर स्कोर सी एस वी फंक्शन यूज़ करेंगे ओके okay? और इसके अंदर आपको पास क्या करना है इसके अंदर आपको जो जो भी सी एस वी फाइल आप यूज कर रहे हो ठीक है उसका क्या करना है उसका पाथ आपको पास करना है ओके okay? जहां पे वो सेव है वो वो कंप्लीट आपको उस, उसके अंदर पास करना है ठीक है तो ये सी फाइल का आपने पास, पास कर दिया कौन से फंक्शन में रीड सी एस बी फंक्शन में तो ये क्या करेगा ये इसको कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में वहां से डेटा को रीड करेगा उस पर्टिकुलर फाइल से जैसे यहाँ पे फाइल है सैम्पल डॉट सी इस पर्टिकुलर फाइल से ये डेटा को रीड करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम की फॉर्म में और डेटा फ्रेम में कैसे अरेंज होता है डेटा इन द फॉर्म ऑफ़ एंड कॉलम ओके तो देखो यहाँ से इसने रीड किया, किया okay? प्रिंट करा दिया सिंपली तो यहाँ पे देखो सैम्पल डॉट सी का डेटा हमारा आ गया है ओके okay? किस फॉर्म में डेटा फ्रेम की फॉर्म में ओके तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम सी फाइल हाउ वी कैन आइट्रेट ओवर द रोज एंड कॉलम्स ऑफ आर डेटा फ्रेम ओके तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइट्रेशन क्या है आइटेशन क्या होता है आइटेशन इज द रिपीटेशन ऑफ आ प्रसेस जब एक ही प्रोसेस बार बार होता है उसको हम आइट्रेशन कहते हैं ओके तो आइटेशन का यूज़ क्या होता है आइटेशन इज़ यूज फॉर

ओके okay? डेटा को रिपीटेडली एक्सेस करने के लिए रो वाइज या कॉलम वाइज राइट फ्रॉम डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम से रो वाइज या कॉलम वाइज डेटा को एक्सेस करने के लिए पांडास ने हमें दो फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं आइटर रोज एंड आइटर आइटम्स फाइन नो फर्स्ट वी हैव आइटर रोज द रोज फंक्शन ऑफ पांडास हेल्प यू टू लूप और आइट्रेट थ्रू ईच रो रो ऑफ आर डेटा फ्रेम आइटर रोज फंक्शन आपकी क्या हेल्प करता है कि आप आइट्रेट करो मतलब आप उसके ऊपर उसको मीन्स एक्सेस कर सकते हो ठीक है आइट्रेशन मीन्स यू कैन एक्सेस ईच रो ऑफ द डेटा फ्रेम वन बाय वन राइट फर्स्ट आइट्रेशन में आप क्या करोगे फर्स्ट रो को एक्सेस कर लोगे सेकेंड आइट्रेशन में आप सेकेंड रो को एक्सेस करोगे लाइक दिस ओके इट रिटर्न हॉइजोंटल सबसेट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम और ये क्या करता है फर्स्ट आइट्रेशन में आपको फर्स्ट एक ग्रुप मिल जाएगा किसका ग्रुप मिल जाएगा आपको इंडेक्स का एंड वैल्यूज़ का ओके okay, इसको आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल सबसेट राइट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ रो इंडेक्स एंड डेटा इन ईच रो एज अ सीरीज और ये पर्टिकुलर आपको फर्स्ट आइट्रेशन में जो फर्स्ट आपने आइट्रेशन किया उसमें आपको एक हॉरिजॉन्टल सबसेट मिला उसमें क्या क्या है रो इंडेक्स है और रो डेटा है और ये किस फॉर्म में मिलता है आपको सीरीज की फॉर्म में मिलता है ओके okay? तो यहाँ पे हमारा आइटर रोज का क्या फंक्शन है विद द हेल्प ऑफ आइटर रोज फंक्शन वी कैन आइट्रेट ओवर द रोज ऑफ द डेटा फ्रेम वन बाय वन हम आइट्रेट करेंगे ठीक है मतलब उसको आइट्रेट का मतलब है आप इसको एक्सेस करो करोगे ठीक है वन बाई वन और उसके बाद लेटर ऑन आपको जो प्रोसेसिंग करनी है आप डेटा पे कर सकते हो ओके ओके okay, अब यहाँ पे हम आइटर रोज फंक्शन को किसकी हेल्प से सम, समझेंगे प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है इंपोर्ट पांडास एस पी हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया ओके देन वी क्रिएटेड द लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज ओके हमने क्या किया लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्रिएट किया यहाँ पे हमारा लिस्ट वेरिएबल है ओके जिसमें वैल्यूज किस फॉर्म में है वैल्यूज डिक्शनरी की फॉर्म में है देखो यहाँ पे वी हैव थ्री डिक्शनरीज यहाँ पे तीन डिक्शनरी है ओके okay, एंड जो दो तो तीन डिक्शनरीज हमारे पास है उसमें क्या है दो दो की एंड वैल्यू पेयर है यहाँ पे देखो नेम की है वैल्यू ये, नेम है दीप्ति ओके एंड सर नेम की है एंड शर्मा क्या है उसकी वैल्यू ओके समझ आया तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया हमने यहाँ पे क्रिएट किया लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज फाइन हमने पहले भी ये देखा था कि हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं तो इसका यूज हमने यहाँ पे किया है ओके okay? अब हमने क्या किया अब हमें क्या करना है इस से हमको क्रिएट करना है डेटा फ्रेम फाइन तो आपने उसके लिए क्या किया पांडास पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज किया और जो आपने लिस्ट क्रिएट की थी उसको आपने डेटा फ्रेम फंक्शन में पास कर दिया राइट right? अब डेटा फ्रेम फंक्शन क्या करेगा इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में ओके okay? और वो डेटा फ्रेम कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा डी एफ वन वेरिएबल में फाइन आपने फिर क्या किया डी एफ वन वेरिएबल को प्रिंट करा दिया तो ये देखो ये हमारा जो फर्स्ट प्रिंट कमांड का रिजल्ट है वो आ गया आपके पास क्या आ गया डेटा फ्रेम क्रिएट होके आ गया ठीक है इसमें देखो दो कॉलम्स हैं नेम एंड सर नेम ओके एंड वी हैव थ्री रोज तीन रोज हैं इसके अंदर ओके हैविंग द इंडेक्स जीरो वन एंड टू अब हमें क्या करना है हमने क्या किया डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया अब हम लोगों को आइटर रोज फंक्शन का यूज करके वन बाय वन इसकी रोज को एक्सेस करना है फाइन तो देखो आइट्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं आइट्रेशन को लूप uh, लूपिंग loop, भी कहा जाता है ठीक है उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया फोर लूप का यूज किया और यहाँ पे लूप वेरिएबल्स लिए हैं रो इंडेक्स एंड रो फाइन तो लूप वेरिएबल क्या करेंगे द लूप वेरिएबल इज असाइंड द फर्स्ट वैल्यू इन द डेटा फ्रेम तो यहाँ पे हमने दो लूप वेरिएबल लिए रो इंडेक्स एंड रो तो जी वो क्या करेंगे जो डेटा फ्रेम के अंदर ठीक है डेटा फ्रेम के अंदर जो फर्स्ट रो है उसका रो इंडेक्स कहाँ जाके स्टोर होगा रो इंडेक्स वेरिएबल के अंदर और जो वैल्यूज हैं ओके okay, वो कहाँ जाके स्टोर होंगी वो रो वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होंगी ये इसको एक्सेस करेगा तो रो इंडेक्स इंडेक्स को एक्सेस करेगा फर्स्ट रो की और रो क्या करेगा वैल्यूज को एक्सेस करेगा फर्स्ट रो की इन डी एफ डॉट आइटर रोज तो आइटर रोज फंक्शन क्या करेगा आइट्रेशन में हेल्प करेगा वन बाय वन राइट ओके okay, समझ आया यहाँ पे हमने फोर लूप का यूज किया है फोर लूप के अंदर हमने टू लूप वेरिएबल्स लिए हैं रो इंडेक्स एंड रो ओके तो ये क्या करते हैं जो लूप वेरिएबल होते हैं वो वन बाय वन जो भी सीक्वेंस है उसके अंदर से क्या करते हैं वैल्यूज को एक्सेस करते हैं वैल्यूज को एक्सेस करते हैं ओके okay, उसके बाद जो उसकी बॉडी में स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है फाइन ओके okay, फाइन अब इतना देखो तो यहाँ पे रो इंडेक्स एंड रो क्या करेंगे जब फर्स्ट टाइम लूपिंग करेंगे या आई करेंगे या तो आ, आ, तो डेटा फ्रेम के अंदर से ठीक है डी एफ वन के अंदर से क्या करेंगे फर्स्ट रो इंडेक्स मीन इंडेक्स जीरो एंड जो उसकी वैल्यूज है उसको एक्सेस करेंगे अब हमने जो लूप की बॉडी है उसमें क्या डाल दिया प्रिंट करा दिया रो इंडेक्स को ठीक है रो इंडेक्स तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आइटेशन में क्या हुआ रो इंडेक्स आपका जीरो आ गया। फिर हमने प्रिंट कराया प्रिंट कंटेनिंग वैल्यूज तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कंटेनिंग वैल्यूज उसके बाद आपने प्रिंट करा दिया रो तो जो डेटा फ्रेम की फर्स्ट रो है वो क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी ठीक है अब डेटा फ्रेम की फर्स्ट रो में देखो कॉलम uh, uh, जो नेम है कॉलम का जो इंडेक्स है या या आप कह सकते हो लेबल है या नेम है वो आ गया नेम ठीक है उसकी वैल्यू आ गई दीप्ति ओके सरनेम एंड वैल्यू शर्मा फाइन ओके ऐसे क्या हुआ हमारा जो डेटा फ्रेम था उसकी फर्स्ट रो हमने क्या कर दी आइटर रोज फंक्शन की हेल्प से हमने उसको एक्सेस कर लिया ठीक है ओके अब फर्स्ट जो आइट्रेशन है वो खत्म हो गया अब क्या होगा लूप इंडेक्स एंड रो जो दो वेरिएबल हैं, वो क्या करेंगे डेटा फ्रेम की नेक्स्ट की वैल्यूज को एक्सेस करेंगे फाइन अब आइटर रोज फंक्शन क्या करेगा फर्स्ट आइटेशन कर, कर चुका अब सेकेंड रो पे चला जाएगा ठीक है सेकेंड रो पे चला गया तो रो इंडेक्स एंड रो अब क्या करेंगे, row का row की जो है, उनको करेंगे तो अब देखो फिर हमने उनको है, तो देखो, उसने किया है, क्योंकि वो पे चले गए हैं और वैल्यूज उसने प्रिंट की है पूजा एंड uh, सरनेम अरोड़ा तो यहाँ पे उसने सेकेंड रो की वैल्यू और देखो ये किस फॉर्म में आ रही है सीरीज फॉर्म में आपको ये रिजल्ट आ रहा है ओके अंडरस्टूड ओके नाउ नेक्स्ट फिर नेक्स्ट आइट्रेशन होगा नेक्स्ट आइट्रेशन होगा तो ये जो आइटर रोज फंक्शन है वो कहाँ ले जाएगा थर्ड रो को पर ले जाएगा अब रो इंडेक्स एंड रो वेरिएबल क्या करेंगे थर्ड रो की इंडेक्स वैल्यू और थर्ड रो के आइटम्स को एक्सेस करेंगे फिर हमने उनको क्या किया प्रिंट करा दिया देखो अब यहाँ पे जो आपकी थर्ड रो है उसकी इंडेक्स वैल्यू आ गई ओके okay, एंड उसकी वैल्यूज आ गई ओके इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ठीक है तो यहाँ पे क्या है आपने आइटर रोज फंक्शन की हेल्प से डेटा फ्रेम की रोज को आइट्रेट किया और उनकी वैल्यूज को एक्सेस किया वन बाय वन अंडरस्टूड ओके ओके नाउ वी हैव आइटर आइटम्स राइट इससे पहले हमने आइटर रोज किया था आइटर रोज से हमने वन बाय वन रोज को एक्सेस किया था अब हम क्या करेंगे आइटर आइटम्स की हेल्प से डेटा फ्रेम के कॉलम्स को वन बाय वन एक्सेस करेंगे राइट द आइटर आइटम्स फंक्शन ऑफ पांडास हेल्प यू टू लूप और आईट्रेट थ्रू ईच कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम ये हमारी क्या हेल्प करेगा ये हमारी हेल्प करेगा डेटा फ्रेम के ईच कॉलम को आइट्रेट करने के लिए उसको एक्सेस करने के लिए वन बाय वन हम वहां पे पहुंचेंगे और उसको एक्सेस करेंगे ठीक है रिटर्न द वर्टिकल सबसेट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम ठीक है अब हमें क्या मिलेंगे वर्टिकल सबसेट मिलेंगे पहले हमें आइटर रोज से क्या मिले थे हॉर्जोनटल सबसेट मिले थे और हमें आइटर आइटम से क्या मिलते हैं वर्टिकल सबसेट ओके मिलते हैं ठीक है इट रिटर्न वर्टिकल सबसेट फ्रॉम डेटा फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ कॉलम इंडेक्स एंड डेटा इन ईच कॉलम एज अ सीरीज तो ये किस फॉर्म में हमें रिजल्ट देगा आपको मिलेगा आपके कॉलम का इंडेक्स या कॉलम नेम भी कह सकते हो और कॉलम का डेटा किस फॉर्म में सीरीज की फॉर्म में ओके सो यहाँ पे हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे ओके okay. सबसे पहले हम क्या करेंगे इंपोर्ट पांडास एस पी हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हमें उसके फंक्शंस चाहिए ठीक है उसके फंक्शंस की हेल्प से ही हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं राइट right? अब हमने क्या मेथड यूज़ किया है हमने क्या किया लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज लिया है एक लिस्ट आपने वेरिएबल लिया है ठीक है

उसके लिए आप क्या करोगे पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज करोगे ओके एंड लिस्ट को आपने पास कर दिया डेटा फ्रेम फंक्शन में ओके okay? अब डेटा फ्रेम फंक्शन क्या करेगा इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज को कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में ओके okay? और वो डेटा फ्रेम कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा डी एफ टू वेरिएबल में फाइन फिर आपने क्या किया प्रिंट करा दिया डी एफ टू वेरिएबल को तो ये हमारा डी एफ टू वेरिएबल की से हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया ओके okay. अब हमें क्या करना है कॉलम्स को एक्सेस करना है आइटर रोज से हमने क्या था? Uh, uh, किया था हॉर्जोंटल सबसेट्स को एक्सेस किया था हॉर्जोंटल रोज को एक्सेस किया था अब हम क्या एक्सेस करेंगे अब हम एक्सेस करेंगे कॉलम्स को फाइन तो आप जब हम हम लोगों को आइट्रेशन करना होता है लूपिंग करनी होती है तो हम वेरिएबल्स वो सॉरी लूप्स का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमने फोर लूप का वेरिए फोर लूप का यूज किया है ओके okay? और इस फोर लूप में हमने दो लूप वेरिएबल लिए हैं कॉलम नेम एंड कॉलम वैल्यू ओके okay? तो कॉलम नेम एंड कॉलम वैल्यू क्या करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर डेटा फ्रेम के कॉलम्स एंड कॉलम वैल्यूज को क्या करेंगे एक्सेस करेंगे वन बाय वन ओके okay, अब आइटर आइटम्स का क्या फंक्शन है ये आइट्रेशन करेगा ये पहले फर्स्ट कॉलम पे जाएगा फिर ये सेकंड कॉलम पे जाएगा फाइन तो सबसे पहले क्या होगा जो कॉलम नेम है एंड कॉलम वैल्यूज़ हैं ओके okay, वो डेटा फ्रेम के फर्स्ट कॉलम पर जाएंगे तो यहाँ से कॉलम नेम एंड कॉलम वैल्यूज को एक्सेस करेंगे राइट right? फाइन तो यहाँ पे कॉलम नेम एंड कॉलम वैल्यूज को एक्सेस करेंगे फिर हमने क्या किया कॉलम नेम को प्रिंट करा दिया कॉलम नेम इज कॉल नेम ओके तो आपका देखो कॉलम का नेम आ गया नेम फिर हमने प्रिंट कराया कॉलम वैल्यूज आर कॉलम वैल्यूज आर और हमने वैल्यूज को प्रिंट करा दिया कॉल वैल्यूज ठीक है क्योंकि देखो यहाँ पे कॉल नेम वेरिएबल जो लूप वेरिएबल है वो क्या वो क्या एक्सेस करेगा वो कॉलम के नेम को और यू कैन से इंडेक्स को एक्सेस करेगा तो यहाँ पे उसने इंडेक्स को एक्सेस करके डिस्प्ले करा दिया ठीक है और कॉलम वैल्यू जो कॉल वैल्यू वेरिएबल है वो किसको एक्सेस करेगा वो डेटा फ्रेम के कॉलम के वैल्यूज को एक्सेस करेगा ठीक है तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई फाइन फर्स्ट आइट्रेशन में आपका ये रिजल्ट आया ओके okay. अब क्या होगा जो आइटर आइटम फंक्शन है वो सेकेंड आइट्रेशन करेगा सेकेंड कॉलम पे चला जाएगा ठीक है वो कहाँ चला जाएगा सेकेंड कॉलम पे चला जाएगा तो अब क्या करेंगे जो लू वेरिएबल है कॉल नेम एंड कॉल वैल्यू वो क्या करेंगे सेकेंड कॉलम के कॉलम uh, नेम को और कॉलम वैल्यूज को एक्सेस करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया इनको फिर से आप सेकेंड आइट्रेशन होगा सेकेंड कॉलम पे जाएंगे अगेन लूप uh, की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी ठीक है जब तक कि सारे के सारे कॉलम एक्सेस uh, नहीं हो जाते आइट्रेट नहीं हो जाए हो जाते तब तक तो क्या होता है वेरिएबल आपका लूपिंग चलती है आपका आइट्रेशन चलता है वन बाय वन ठीक है ये तो आप, आपको पता है क्योंकि आपने इलेवेंथ में भी किया है फोर लूप वाइव लूप ओके तो आइट लूपिंग कहाँ तक चलती है जब तक कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होता है कंप्लीट नहीं हो जाता फाइन तो यहाँ पे वो कब तक चलेगा जब तक कि आपने कंप्लीट ऑल द रोज को एक्सेस नहीं कर लिया ठीक है आइटर रोज फंक्शन की हेल्प से या फिर आपने आइटर आइटम्स की फंक, फंक्शन की हेल्प से सारे कॉलम्स को एक्सेस नहीं कर लिया ठीक है तो यहाँ पे आपका सेकेंड टाइम जब आइट्रेशन हुआ तो क्या हुआ सेकेंड जो आपका कॉलम था वो एक्सेस किया आपने ठीक है तो यहाँ पे देखो सरनेम आपने इसको प्रिंट करा दिया कॉलम नेम कॉल नेम आपका सरनेम आ गया और फिर आपका वैल्यूज आ गई फाइन uh, तो यहाँ पे आपने क्या किया फोर लूप का यूज किया फिर से मैं एक बार बताई थी फोर लूप का यूज किया फोर लूप के अंदर आपने दो लूप वेरिएबल्स लिए कॉल नेम एंड कॉल वैल्यू ठीक है तो वो क्या करेंगे डेटा फ्रेम के कॉलम्स की वैल्यूज को एक्सेस करेंगे तो कॉल नेम क्या कर रहा है डेटा फ्रेम के जो कॉलम्स वो एक्सेस कर रहा है उसमें कॉलम का इंडेक्स वो एक्सेस करेगा और कॉल वैल्यू क्या करेगा उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करेगा ओके okay? और जो आइट्रेशन हो रहा है कि एक पहले फर्स्ट कॉलम पे गए फिर सेकेंड कॉलम पे गए फिर थर्ड कॉलम पे गए एंड सो ऑन वो किसकी हेल्प से हो रहा है वो आइटर आइटम्स फंक्शन की हेल्प से हो रहा है ओके okay? तो वैल्यूज एक्सेस करने के बाद हमने क्या किया उसको प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करा दिया ओके okay? तो ये क्या है आइट्रेशन फंक्शन है और कैन सिलेक्ट और एक्सेस डेटा फ्रॉम अ डेटा फ्रेम हम डेटा फ्रेम में से डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं कैसे फेच कर सकते हैं मतलब उसको कैसे आप ले सकते हो और उसके बाद डिस्प्ले करा सकते हो फाइन तो सबसे पहले हमारे पास है कॉलम सिलेक्शन ओके तो डेटा फ्रेम में आप कॉलम्स को कैसे एक्सेस करके कैसे उनको डिस्प्ले करा सकते हो राइट टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम ये क्या कह रहा है कि अगर आपको डेटा फ्रेम के किसी भी कॉलम से क्या करना है कंटेंट को डिस्प्ले कराना है मीन्स आपको अगर कोई भी कॉलम डेटा फ्रेम का सिलेक्ट करके डिस्प्ले कराना है जस्ट यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स तो आपको क्या करना है ये सिंटेक्स यूज करना है ये सिंटेक्स किसके लिए सिंगल कॉलम को डिस्प्ले कराने के लिए डी एफ क्या है यहाँ पर डेटा फ्रेम का नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप दोगे वो कॉलम जो आप एक्सेस करना चाहते हो सिलेक्ट करना चाहते हो ओके okay? और कॉलम नेम को हमने दिया है सिंगल कोर्स में ओके okay? या फिर आप कैसे इसको दे सकते हो डेटा फ्रेम का नेम ओके okay? df डॉट कॉलम नेम फाइन ओके हमारे पास डेटा फ्रेम dtf3 है ओके okay? अब यहाँ पे इस डेटा फ्रेम में क्या है थ्री कॉलम्स हैं एंड फोर रोज हैं ओके अब हम क्या करेंगे कॉलम को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या किया डेटा फ्रेम का नेम लिया डी टी एफ थ्री ओके एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने कॉलम का नेम दे दिया तो मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन कॉलम का नेम दे दिया ओके okay? नो uh, no. uh, तो हमारा आउटपुट देखो यहाँ पे क्या आ गया है कॉलम का नेम आ गया है यहाँ पे आपका uh, जो ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन कॉलम है ओके okay? वो आपका यहाँ पे आ गया अलोंग विद द रो इंडेक्स फाइन क्योंकि यहाँ पे जो लो आप रो लेबल भी बोल सकते हो रो इंडेक्स भी बोल सकते हो ये आपके रो लेबल है ओके okay. ये आपका रो रो लेबल है ये आपके कॉलम लेबल है ओके या आप इसको रो इंडेक्स बोल सकते हो इसको कॉलम इंडेक्स बोल सकते हो ओके okay. तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा पॉपुलेशन कॉलम आ गया है सिंगल फाइन अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो जो डिफरेंट वे है वो क्या है डी थ्री डॉट ओके एंड नेम ऑफ द कॉलम तो आपने क्या किया डेटा फ्रेम का नेम डॉट नेम ऑफ द कॉलम पॉपुलेशन कॉलम दे दिया तो आपको देखो यहाँ पे पॉपुलेशन कॉलम आ गया अलोंग अलॉन्ग विथ द इंडेक्स रो इंडेक्स तो ये हमारा ये क्या है रो इंडेक्स या रो लेबल फाइन तो वेरी सिंपल अगर आपको सिंगल कॉलम एक्सेस करना है तो आप इस 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 तरह से उसको एक्सेस कर सकते ओके okay. अब अगर हमें डेटा फ्रेम में से मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना है या एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे टू सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स यू कैन गिव अ लिस्ट हैविंग मल्टीपल कॉलम नेम्स इन साइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स विद डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट एज फॉलो ओके तो इस केस में अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे डेटा फ्रेम का नेम ओके एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप दोगे लिस्ट ऑफ कॉलम्स जो आप एक्सेस करना चाहते हो ओके लिस्ट ऑफ कॉलम दोगे तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया डी टी एफ थ्री हमारा डेटा फ्रेम है डी टी एफ थ्री ओके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिस्ट ऑफ कॉलम्स को को पास कर दिया कि जो जो आप कॉलम्स एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन कॉलम लिया है और एवरेज इनकम लिया है ओके तो यहाँ पे देखो यू कैन सी द आउटपुट पॉपुलेशन कॉलम आया है आपका एवरेज इनकम कॉलम आया है और ये आपका क्या है रो इंडेक्स है फाइन दो कॉलम्स आ गए आपके पास ओके सो दिस इज वेरी सिंपल आपको क्या करना है सिंपल डेटा फ्रेम का नेम ओके okay? और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या पास करनी है लिस्ट ऑफ कॉलम्स पास कर मतलब कॉलम नेम्स की लिस्ट पास करनी है जो जो कॉलम आपको एक्सेस करना है ओके okay. अगर मुझे ऑर्डर चेंज करना है एक्सेस करते टाइम कॉलम्स का तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने डी कॉलम का नेम लिया एवरेज इनकम जो लिस्ट पास की है कॉलम्स नेम्स की एवरेज इनकम को मैंने पहले लिया है एंड पॉपुलेशन को बाद में ओके okay? तो आप यहाँ पे आउटपुट में देखो आउटपुट में आपका एवरेज इनकम पहले आया है कॉलम जो एवरेज इनकम का कॉलम था वो पहले आया है और पॉपुलेशन का कॉलम क्या आया है बाद में आया है ओके okay? अंडरस्टूड इस तरह से आप ऑर्डर जो कॉलम्स का ऑर्डर है उसको भी चेंज कर सकते हो कॉलम्स कॉलम्स columns. Columns, जब आप एक्सेस करोगे तो जो भी ऑर्डर में आपको चाहिए उस ऑर्डर उस ऑर्डर में आपको लिस्ट में पास करना है ओके नेक्स्ट वी हैव सिलेक्टिंग रोज एंड कॉलम क्या करना है, है लॉक फंक्शन अच्छा, क्या है लॉक फंक्शन इज लेबल बेस्ड फंक्शन इसका क्या मीनिंग होता है डेट वी है रो लेबल और रो इंडेक्स और कॉलम लेबल और कॉलम ने मीन जो लॉग फंक्शन होता है उसके अंदर हम आपको रो का के जो लेबल्स है लेबल्स क्या होते हैं नेम फाइन रो के जो भी रोज चाहिए उनके नेम्स देने होंगे ओके okay. एंड जो भी कॉलम्स चाहिए उनके नेम्स देने होंगे फाइन ओके okay. क्योंकि लॉग फंक्शन क्या है लेबल बेस्ड फंक्शन है नेम बेस्ड फंक्शन है फाइन तो यहाँ पे आप इसको कैसे यूज करोगे डी एफ क्या है आपका डेटाबेस का नेम डॉट लॉक ठीक है और लॉक के अंदर आपने दिया स्टार्ट रो मतलब आपको जो स्टार्टिंग का नेम चाहिए जो स्टार्ट स्टार्ट रो की जो लेबल होगा वो एंड रो जो एंड एंड वाली रो का लेबल होगा वो स्टार्ट कॉलम एंड एंड कॉलम अंडरस्टूड लॉग फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करें लॉग फंक्शन क्या है लेबल बेस्ड और यू कैन से नेम बेस्ड ठीक है तो यहाँ पे आप रो का स्टार्टिंग uh, रो का नेम दोगे एंडिंग रो का नेम दोगे स्टार्टिंग कॉलम का नेम दोगे एंडिंग कॉलम का नेम दोगे फाइन ओके okay. तो एग्जांपल हम देखते हैं डी टी एफ सी डॉट लॉक अब आपने क्या दिया दिल्ली दिया ओके एंड मुंबई दिया फाइन दिल्ली एंड मुंबई दिया दिल्ली एंड मुंबई आपकी रोज एंड पॉपुलेशन एंड एवरेज इनकम आपके कॉलम ओके okay, तो देखो यहाँ पे जो हमारा डी था जिसके अंदर फोर रोज एंड थ्री कॉलम्स थे उसके अंदर से दो रोज आ गए हैं यहाँ पे दिल्ली एंड मुंबई ओके okay. एंड आपके पास टू कॉलम्स आ गए हैं पॉपुलेशन एंड एवरेज इनकम ओके तो मैंने यहाँ पे क्या किया ये पूरा एग्जीक्यूट करके कॉपी पेस्ट किया हुआ है जिपीटर नोटबुक से फाइन आप इसको एग्जीक्यूट या इस सिंपल कमांड को आप क्या करोगे इसको एग्जीक्यूट कर करके देखोगे पहले आप डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे और फिर जो भी कमांड्स आ रहे हैं उन सबको आप एग्जीक्यूट करके देखोगे फ़ाइन तो यहाँ पे देखो डेली एंड मुंबई आपने दो आ, क्या दी रोज नेम दिए तो रोज एवरेज रोज आपके दो कॉलम आ गए ओके okay, हमने कॉलम सिलेक्शन कर दिया अब हम करेंगे रो सिलेक्शन ठीक है सिलेक्शन बाय लेबल तो जो फर्स्ट वे है रो uh, सिलेक्शन का वो क्या है सिलेक्शन बाय लेबल मतलब रो के नेम से आप या रो के लेबल से इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना रो लेबल मींस रो का नाम जिसको हम रो इंडेक्स भी बोलते हैं ओके जब इंडेक्स बेसिकली टर्म हम तब यूज करते हैं जब इंटीजर फॉर्म में होता है ये इंडेक्स जीरो वन टू ओके अदरवाइज अगर स्ट्रिंग फॉर्म में तो हम लेबल वर्ड यूज करते हैं ठीक है टर्म लेबल टर्म यूज करते हैं फाइन और आप इसको नेम uh, भी बोल सकते हो तो यहाँ पे हम लेबल से क्या करेंगे रो को सिलेक्ट करेंगे रोज कैन बी सिलेक्टेड बाई पासिंग रो लेबल और रो नेम टू अ लॉक फंक्शन ओके लॉग फंक्शन का यूज करेंगे और उसके अंदर हम पास करेंगे रो रो लेबल रो नेम ठीक है ओके सिलेक्टिंग सिंगल रो लेबल अगर आपको सिंगल रो सिलेक्ट करनी है तो आप क्या इस तर, इस, इस, तरह से कर सकते हैं डेटा फ्रेम का नेम डॉट लॉग फंक्शन और लॉग फंक्शन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में आपने पास कर दिया रो का नेम ओके okay? तो यहाँ पे हम सिंगल रो को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे हमने डेली पास किया तो क्या होगा ये डेली आपका डिस्प्ले हो जाएगा डेली सिलेक्ट हो जाएगा तो देखो यहाँ पे कॉलम्स आ गए पॉपुलेशन एवरेज इनकम कॉलम्स के नेम ओके okay, और ये आपका फर्स्ट रो आ गया एंड दिस ये आपका डेटा यहाँ पे आ गया नाउ यू कैन मैच दिस ठीक है ये आपका डेटा आ गया फाइन तो यहाँ पे क्या ये फर्स्ट रो क्या हो गई सिलेक्ट हो गई फाइन डेली जिस जिस रो का लेबल क्या था डेली वो रो आपके आउटपुट में डिस्प्ले हो गई है ओके okay? Okay. अगर आपको मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे लॉक फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा रोज का लेबल एज लिस्ट पास कर दोगे ठीक है तो हमने क्या किया डेटा फ्रेम का डॉट फंक्शन के अंदर आपने किसको पास किया आपने लिस्ट ऑफ रो लेबल्स को पास किया तो यहाँ पे मैंने डेली कोलकाता ओके एंड चेन्नई तो मैंने यहाँ पे थ्री लेबल्स पास कर दिए इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ओके okay, ओके okay, तो यहाँ पे क्या करे मल्टीपल रो लेबल्स को पास कर रहे हैं एज अ लिस्ट इन लॉग फंक्शन ठीक है लॉग फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल रो लेबल्स को पास करें ओके okay, तो यहाँ पे देखो आउटपुट में देखो आपके दिल्ली कोलकाता एंड चेन्नई यहाँ पे थ्री रोज क्या हो जाएंगी सिलेक्ट हो जाएंगी और यू कैन से आप थ्री रोज को यहाँ पे डिस्प्ले करा दोगे ओके okay? तो इस, इस वे से आप क्या कर सकते हो मल्टीपल रोज को डिस्प्ले करा सकते हो नो नेक्स्ट मेथड क्या है सिलेक्शन बाय इंटीजर लोकेशन इंटीजर लोकेशन या फिर इंटीजर इंडेक्स का यूज करके आप रोज़ को सिलेक्ट कर सकते हो रोज कैन बी सिलेक्टेड बाय पासिंग इंटीजर लोकेशन टू एन आई लॉक फंक्शन आई लॉक फंक्शन के आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर एंड लॉक स्टैंड्स फॉर लोकेशन ओके या इंटीजर इंडेक्स फाइन तो यहाँ पे सिलेक्टिंग सिंगल रो इंडेक्स ओके आप सिंगल रो को यहाँ से एक्सेस कर रहे हो आपने डेटा फ्रेम का नेम दिया डी टी एफ थ्री ओके कुछ भी हो सकता है नेम डॉट आई लॉक और आई लॉक फंक्शन में आपने पास कर दिया इंटीज़र इंडेक्स तो हमने यहाँ पे जीरो इंडेक्स पास किया जीरो इंडेक्स हमेशा क्या होता है फर्स्ट रो का होता है तो यहाँ पे किसको डिस्प्ले करेगा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा डेली वाली रो को फाइन ओके आई लॉक फंक्शन के अंदर हमेशा आई लॉक फंक्शन हमेशा इंटीज़र वैल्यू को ही लेता है ठीक है आप हमेशा उसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही पास कर सकते हैं वो लेबल्स को नहीं लेता लेबल्स के लिए आपके पास लॉक फंक्शन होता है

रो ओके okay. अगर आपको मल्टीपल रो इंडेक्स मतलब मल्टीपल रोज को एक्सेस कराना है सेलेक्ट uh, कराना है तो आप क्या करोगे डेटा फ्रेम का नेम डॉट आई लॉक और आई लॉक के अंदर आप लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस पास कर दोगे इंटीजर इंडेक्सेस। तो यहाँ पे मैंने जीरो इंडेक्स पास किया टू इंडेक्स पास किया थ्री इंडेक्स पास किया फ़ाइन तो जो इस इंडेक्स पे जो भी रो होगी वो क्या हो जाएगी सिलेक्ट हो जाएगी डिस्प्ले हो जाएगी फाइन तो देखो जीरो इंडेक्स पे हमारा दिल्ली है वन पे हमारा मुंबई है तो टू पे हमारा कोलकाता है एंड थ्री पे हमारा चेन्नई है तो हमने कौन कौन सा इंडेक्स वैल्यू पास किया है एज अ लिस्ट हमने जीरो टू एंड थ्री तो आपका देखो यहाँ पे दिल्ली कोलकाता एंड चेन्नई डिस्प्ले हो गया है. Fine. तो आपको मल्टीपल रोज को अगर डिस्प्ले कराना है कराना है तो आईलॉग फंक्शन के अंदर एज अ लिस्ट आप क्या करोगे उन इंडेक्सेस को पास कर दोगे वो वो इंडेक्स आप लोगे एज अ वैल्यू जिसको जिस रो को आपको डिस्प्ले कराना है या सिलेक्ट कराना है ओके okay? ओके नेक्स्ट वी स्लाइस हम rows को एज अ स्लाइस कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं ठीक है रोज मतलब डेटा फ्रेम के के अंदर की स्लाइसेस आप बना के कैसे डिस्प्ले करा सकते हो राइट right? कैसे उनको सिलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल रोज कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग कॉलन ऑपरेटर आप कॉलन ऑपरेटर का यूज करके मल्टीपल रोज को सिलेक्ट कर सकते हो ओके okay? और कॉलन क्या होता है इट इज यूज टू डिफाइन रेंज ऑल्सो ठीक है जो कॉलन होता है उससे आप रेंज डिफाइन करते हो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे डी क्या है डेटा फ्रेम का नेम आपने लिया जीरो आ, आ, इसके अंदर आपने रेंज को डिफाइन किया द हेल्प ऑफ कॉलन ऑपरेटर तो जीरो यहाँ पे क्या है इंडेक्स वैल्यू है जीरो कॉलन टू फाइन तो यहाँ पे हमने रेंज डिफाइन किए है कहाँ से जीरो इंडेक्स की रो से डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा कहाँ तक टू इंडेक्स अब जब हम रेंज डिफाइन करते हैं तो एंडिंग इंडेक्स क्या होता है ऑलवेज माइनस वन तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन तो ये जीरो इंडेक्स पे दिल्ली है और वन इंडेक्स पे क्या है मुंबई तो स्टार्ट कहाँ से होगा दिल्ली पे और एंड कहाँ पे होगा मुंबई पे समझ आया जब आप रेंज लेते हो ओके okay, रेंज हम कॉलम uh, uh, को यूज करके रेंज डिफाइन करते हैं ठीक है जब आप रेंज लेते हो जो एंडिंग इंडेक्स होता है रेंज में वो हमेशा माइनस वन होता है ठीक है तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे दिल्ली है वन पे मुंबई है ओके लेकिन हमारा एंडिंग इंडेक्स क्या है वन क्योंकि टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन तो आपकी कितनी रोज डिस्प्ले करेंगी टू रोज डिस्प्ले करेंगी दिल्ली एंड मुंबई फाइन ओके okay, तो यहाँ पे हमने क्या किया कॉलन ऑपरेटर का यूज करके रेंज डिफाइन की और रेंज की हेल्प से आपने सेलेक्ट कराया रोज को ओके okay? या डिस्प्ले कराया ओके okay? ओके न यूज़ ऑफ स्टेप वैल्यू अगर हम क्या करें रेंज में स्टेप वैल्यू भी ले रहे हैं ठीक है स्टेप वैल्यू क्या होती है कि आप कैसे डेटा को एक्सेस करोगे वन बाय वन करोगे या वन वन वैल्यू को छोड़ के एक्सेस करोगे या टू टू वैल्यूज़ को बीच में छोड़ के एक्सेस करोगे आपको कैसे डेटा को एक्सेस करना है ठीक है जब स्टेप वैल्यू वन होती है बाय डिफ़ॉल्ट तो वन ही होती है स्टेप वैल्यू जब इस यहाँ पर देखो ये क्या है स्टार्टिंग वैल्यू ये है आपकी एंडिंग वैल्यू है और जो जो थर्ड आपने पैरामीटर दिया है वो आपकी स्टेप

आप लोगे सेकंड वैल्यू आप को एक्सेस आप एक्सेस नहीं कर पाओगे थर्ड वैल्यू आप लोगे ठीक है समझ आया जब स्टेप वैल्यू वन होती है होगी बाय डिफॉल्ट वन होती है जब आप स्पेसिफाई नहीं भी करते हो तब भी वो क्या लेता है वन लेता है स्टेप वैल्यू वन का मतलब कोई भी उसमें से डेटा स्किप नहीं कर सकते आप ओके वन बाय वन सारा डेटा आएगा स्टेप वैल्यू टू है तो मतलब आपकी वन जो अल्टरनेट uh, डेटा आपको मिलेगा फर्स्ट वैल्यू आपको मिलेगी सेकंड नहीं मिलेगी थर्ड आपको मिलेगी ऐसे अगर स्टेप वैल्यू थ्री है तो बीच में दो दो वैल्यूस आप छोड़ेंगे फाइन तो यहाँ पे देखो इस जीरो से हमने स्टार्ट किया एंड कहाँ पे होगा फोर माइनस वन थ्री तो ये हमारा जीरो पे डेली है ठीक है ओके अभी तो हमने ये क्या किया कि ये हमारा हो जाएगा जो हमारी एंडिंग वैल्यू है वो है थ्री ठीक है जीरो से स्टार्ट करना है एंडिंग वैल्यू है थ्री अब स्टेप वैल्यू टू है तो क्या होगा एक एक छोड़ के चलेगा तो ये हमने जीरो इंडेक्स उठाया वन को हमने नहीं लिया और हमने क्या लिया टू को लिया ठीक है टू को लिया और थ्री को हमने नहीं लिया और थ्री के बाद तो है ही नहीं तो हमारे पास कितनी रोज आएगी डेली वाली आएगी और कोलकाता वाली आएगी तो देखो हमारे पास टू रोज आ गई डेली वाली आ गई एंड कोलकाता वाली आ गई समझ आया जीरो इंडेक्स की आई ठीक है वन इंडेक्स की नहीं आएगी क्योंकि स्टेप वैल्यू क्या है टू और जब टू स्टेप वैल्यू टू होती है तो आप एक एक वैल्यू एक एक रो छोड़ के चलोगे ठीक है तो आ, हमने मुंबई को छोड़ दिया फिर कोलकाता आया जो किस पे इंडेक्स वैल्यू पे आपका टू पे है ठीक है और फिर हमने थ्री को छोड़ा और थ्री के बाद है ही नहीं तो हमारी दो, दो रोज डिस्प्ले हो गई यहाँ पे ओके तो यहाँ पे हमने रेंज को यूज करके रोज को डिस्प्ले कराया है या तो आप सिंपल डेटा फ्रेम का नेम ओके okay, और रेंज दे सकते हो उससे आपकी रोज डिस्प्ले हो जाएंगी या फिर आप आई लॉक का फंक्शन uh, का भी यूज़ कर सकते हो ठीक है मल्टीपल रोज कैन ऑलसो भी सिलेक्टेड बाय यूजिंग द आई लॉक फंक्शन तो यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम का नेम दिया डॉट आई लॉक और आई लॉक के अंदर आपने क्या किया है रेंज दे दी है जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा ठीक है फोर पे फोर uh, मतलब फोर माइनस वन थ्री थ्री इंडेक्स पे स्टॉप होगा और स्टेप वैल्यू टू है तो हमने जीरो पे स्टार्ट किया हमारा आ गया डेली डेली आ गया ठीक है स्टेप वैल्यू टू है तो हम क्या करेंगे ए, एक वैल्यू को छोड़ेंगे फिर हम वन को प्रिंट कराएंगे यहाँ पे हमने वन को प्रिंट करा दिया फिर हमारा टू क्या होगा स्किप होगा और ट्रू के बाद हमारे पास कुछ नहीं है तो सेम ही रिजल्ट आएगा जो आपने अभी किया था डी टी एफ थ्री और सेम रेंज दी थी यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है लॉग फंक्शन और एक्स्ट्रा लगा दिया है फाइन तो यहाँ पे आपकी दो रोज क्या हो गई सिलेक्ट हो गई और यू कैन से डिस्प्ले वी कैन रीनेम रो लेबल्स एंड कॉलम लेबल्स ऑफ अ डेटा फ्रेम आप डेटा फ्रेम के रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स को कैसे चेंज कर सकते हो कैसे रीनेम कर सकते हो राइट right? उनको कैसे एक डिफरेंट एक दूसरा नाम आप दे सकते हो ओके वी कैन चेंज द लेबल्स ऑफ रोज लेबल्स ऑफ रोज मीन लेबल्स के जो नेम्स आपने दिए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रोज के जो आपने इंडेक्स नेम दिए हुए हैं राइट डिफॉल्ट इंडेक्स होता है आपका जीरो वन टू थ्री इसके अलावा भी आप क्या दे सकते हो इंडेक्स के नेम्स दे सकते हो उनको हम लेबल्स बोलते हैं तो आप रोज के लेबल्स को कैसे चेंज कर सकते हो और कॉलम्स के नेम्स को जैसे यहाँ पे देखो कॉलम्स के नेम है रोज के नेम है राइट right? आप इनको कैसे चेंज कर सकते हो वी कैन चेंज द लेबल्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम यूजिंग द डेटा फ्रेम डॉट रीनेम मैथड तो यहाँ पे हम रीनेम फंक्शन का यूज करके ओके डेटा फ्रेम के रीनेम फंक्शन का यूज करके डेटा फ्रेम के रो लेबल्स को एंड कॉलम लेबल्स को चेंज कर सकते हैं राइट right? कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम डी हमारे पास एक डेटा फ्रेम बना हुआ है डी नेम से जहाँ पे आपके पास थ्री रोज है मैथ साइंस एंड हिंदी ओके एंड यू हैव वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कॉलम्स राइट ओके टू रीनेम द रो इंडिस मैथ टू सब वन अब यहाँ पे हम मैथ को चेंज करना चाहते हैं मैथ जो रो लेबल है उसको चेंज करना चाहते हैं सब वन सब्जेक्ट वन साइंस टू सब्जेक्ट टू एंड हिंदी टू सब्जेक्ट थ्री ओके वी कैन राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो अगर आपको रीनेम करना है उनका नेम चेंज करना है ओके okay, तो आप क्या यूज़ करोगे रीनेम फंक्शन का यूज़ करोगे कैसे करेंगे देखो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट uh, दी है ये मैंने गूगल कॉल ऐप पे एग्जीक्यूट किया था वहाँ से इसका स्क्रीन लिया है देखो डी एफ डॉट रीनेम ओके डी क्या है आपके डेटा फ्रेम का नेम जो ये आपका डी एफ डेटा फ्रेम है ओके okay? आपने रिम फंक्शन में पास किया है अब यहाँ पे देखो मैस क्या है आपका रो लेबल है ओल्ड नेम है रो का राइट right? मैस और उसको आपने कॉलन सब वन सब वन आपका क्या है जो न्यू नेम आप देना चाहते हो राइट एज अ डिक्शनरी आप पास कर रहे हो ओल्ड नेम ओल्ड नेम एज अ की एंड न्यू नेम एज अ वैल्यू ऑफ द की राइट ओल्ड नेम डिक्शनरी की वैल्यूज है ओके okay, एंड जो न्यू नेम्स दे रहे हो वो क्या है डिक्शनरी की वैल्यूज ओके मैथ सब्जेक्ट वन साइंस को आप कन्वर्ट करना चाहते हो सब्जेक्ट टू में हिंदी को आप कन्वर्ट करना चाहते हो सब्जेक्ट थ्री में राइट रीनेम फंक्शन के अंदर आपने क्या किया है एज अ डिक्शनरी पास कर दिया है किसको ओल्ड नेम्स को एंड न्यू नेम्स को ओल्ड नेम्स क्या है यहाँ पर कीज है डिक्शनरी की और न्यू नेम क्या है वैल्यूज है डिक्शनरी की राइट right? इंडेक्स कि एक्सिस के इंडेक्स मतलब रो इंडेक्सिस राइट ओके एंड देन प्रिंट डीएफ अब ये जो आपका चेंज होगा उसके बाद ये कहाँ पे जाके सेव हो जाएगा अगेन आपने एक वेरिएबल लिया डीएफ उसमें जाके सेव हो जाएगा आपने इसको प्रिंट करा दिया फाइन सिंपल आपने रीनेम फंक्शन का यूज करके यहाँ पे क्या किया है चेंज किया है रो के names, रो के नेम्स नेम को राइट दिस इज योर रिजल्ट अब यहाँ पे देखो आपका जो रिजल्ट है उसमें क्या हुआ है रो इंडेक्सेस आपके चेंज हो चुके हैं रो लेबल्स आपके चेंज हो चुके हैं अब ये बन चुके हैं सब वन सब टू एंड सब थ्री ओके okay? द पैरामीटर एक्सिस इक्वल्स टू इंडेक्स जो हम यहां हमने यहां पर रीनेम फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर और पास किया एक्सिस एक्सिस में आपने क्या वैल्यू दी है इंडेक्स इज यूज टू स्पेसिफाइड द रो लेबल इज टू बी चेंज तो यहाँ पे इंडेक्स जो आपने इसकी वैल्यू दी है वो क्या बता रही है कि क्या चेंज करना है रो लेबल्स को चेंज करना है राइट इफ नो न्यू लेबल इज पास कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन एग्जिस्टिंग लेबल द एग्जिस्टिंग रो लेबल इज लेफ्ट एज इट इज फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर देखो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट

नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल डी एफ क्या है आपका डेटा फ्रेम ओके डेटा फ्रेम का नाम डॉट रीनेम अब रीनेम के अंदर आपने एज अ लिस्ट पास कर दिया है सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट वन किस में कन्वर्ट हो जाए मैथ्स में ओके सब्जेक्ट टू आपका साइंस में फाइन आपने एज अ डिक्शनरी पास कर दिया ओल्ड लेबल्स को और एंड न्यू लेवल्स को फाइन अब यहाँ पे हमने देखो सब्जेक्ट थ्री को पास नहीं किया है तो सब्जेक्ट थ्री क्या होगा एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने इसको यहाँ पे रीनेम फंक्शन के अंदर पास नहीं किया है एक्सिस आपका इंडेक्स है मीन्स यहाँ पे रो लेबल्स कन्वर्ट हो गए और आपने प्रिंट डी एफ कर दिया डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया राइट right? ओके okay. अब यहाँ पे देखो आपने सब्जेक्ट वन को मैथ्स कर दिया था सब्जेक्ट वन जो आपका था वो मैथ्स हो गया है सब्जेक्ट टू आपका साइंस हो गया है लेकिन सब्जेक्ट थ्री आपने पास नहीं किया था तो वो क्या है एज इट इज सब्जेक्ट थ्री है ओके, okay? राइट? Right? तो अगर आप क्या कर सकते हो आप अपनी चॉइस के भी नेम्स चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारे ही लेबल्स आपको अगर चेंज अगर आप सारे लेबल्स चेंज नहीं करना चाहते तो जो लेबल्स आप चेंज करना चाहते हो उसको आप रीनेम फंक्शन में एज अ डिक्शनरी पास कर सकते हो ओके okay? है वी हैव रीनेमिंग कॉलम लेबल्स ठीक है अभी हमने रो लेबल्स को चेंज किया था रीनेम किया था अब हम किसको करेंगे कॉलम लेबल्स को चेंज करेंगे ओके टू ऑल्टर द कॉलम नेम्स ऑफ डेटा फ्रेम डी एफ वी कैन अगेन यूज रीनेम मैथड अगेन हम किसका यूज करेंगे रीनेम फंक्शन का ही यूज करेंगे सेम है इसका जो सिंटेक्स है इसका फॉर्मेट है सेम है बस आपको एक्सेस की वैल्यू चेंज करनी है वहां पर आपने एक्सेस की वैल्यू इंडेक्स की थी इंडेक्स मीन्स रो लेबल्स यहाँ पे आप एक्सेस की वैल्यू दोगे कॉलम्स कॉलम मीन्स कॉलम लम लेबल्स राइट अब यहाँ पे देखो df.rename आपने डेटा फ्रेम के rename फंक्शन का यूज किया है उसके अंदर आपने एज अ डिक्शनरी क्या दिया है ओल्ड कॉलम नेम्स एंड न्यू कॉलम नेम्स जो आप देना चाहते हो ओके okay? अर्णव आपका ओल्ड कॉलम नेम है ये देखो df का आपने इसको बना दिया स्टूडेंट 1 देन रमित ओके okay? आपने इसको कर दिया स्टूडेंट 2 देन समृद्धि आपने इसको कर दिया स्टूडेंट 3 देन मलिका आपने रिया को यहां पे नहीं लिया है ओके okay? तो रिया एज इट इज रहेगा मलिका मलिका को आपने कर दिया स्टूडेंट फोर ओके एंड एक्सिस पैरामीटर में आपने क्या वैल्यू दी है कॉलम्स तो यहां पे किसके लेवल्स चेंज होंगे कॉलम के फाइन अब देखो आपने प्रिंट डी कर दिया ओके okay? जो भी यहाँ पे चेंजेस हुए वो कहाँ पे जाके स्टोर हो गए डीएफ वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गए फाइन अब देखो अर्नब की प्लेस पे क्या आ गया स्टूडेंट वन Then, रमित के प्लेस पे आपका आया है स्टूडेंट टू ओके समृद्धि के प्लेस पे आया है आपका स्टूडेंट थ्री रिया को आपने चेंज पास नहीं किया था तो रिया एज इट इज आ गया है ओके एंड स्टूडेंट फोर आपने मलिका को क्या किया था स्टूडेंट फोर ओके यहाँ पे कॉलम्स लेवल चेंज हो गए राइट द पैरामीटर एक्सेस इक्वल्स टू कॉलम एम्प्लाइज वी वॉन्ट टू चेंज द कॉलम लेबल्स तो मैंने आपको बताया था सेम्स इंटेक्स है रो लेबल्स को चेंज करने का एंड कॉलम लेबल्स को चेंज करने का सिर्फ एक डिफरेंस है एक्सेस की वैल्यू में अगर आप इंडेक्स पास करते हो तो रो लेबल्स चेंज होंगे अगर आप कॉलम्स पास करते हो तो कॉलम लेबल्स चेंज होंगे राइट right? कॉलम रिया रिमेन्स अनचेंज सिंस वी डिडेंट पास एनी न्यू लेबल फॉर दिस कॉलम हमने रिया को पास नहीं किया था एज अ डिक्शनरी ओके एज अ इन द रीनेम फंक्शन ओके इसको पास नहीं किया था तो इसकी वैल्यू क्या है प्रीवियस वैल्यू ही है डेटा फ्रेम में हेड एंड टेल फंक्शन का क्या यूज है ओके okay, तो फर्स्ट वी हैव द हेड फंक्शन द हेड फंक्शन इज यूज टू फेच फर्स्ट एंड रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम हेड फंक्शन का क्या यूज़ है इसकी हेल्प से हम डेटा फ्रेम के स्टार्टिंग की मतलब डेटा फ्रेम के टॉप से ठीक है क्या कर सकते हैं एंड रोज को फैच कर सकते हैं फैच मतलब उनको एक्सेस कर सकते हैं एन का मतलब जितनी आपने स्पेसिफाई की उतनी ठीक है आपने टू रोज स्पेसिफाई की तो आप टू रोज को फैच uh, uh, कर सकते हो ओके okay? आपने थ्री रोज को स्पेसिफाई uh, किया तो थ्री को फेच कर सकते हो फेच को फेच का मतलब होता है एक्सेस करना लेना ओके okay? फाइन अब इसका सिंटेक्स क्या है डेटा फ्रेम डॉट हैड और हेड फंक्शन में आप क्या पास करोगे एन डेटा यहाँ पे डी एफ क्या है डेटा फ्रेम का नेम है ओके ओके डेटा फ्रेम का नेम डॉट हैड फंक्शन और हेड फंक्शन के अंदर आप एन एन क्या है आप पास करोगे कि कितनी रोज आपको चाहिए फाइन और यहाँ पे जो रोज आएंगी वो कहाँ से आएंगे टॉप ऑफ द डेटा फ्रेम से आएंगी मतलब डेटा फ्रेम की स्टार्टिंग से आएंगी टॉप ऑफ द डेटा फ्रेम से आएंगी ओके okay? इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू फॉर एन देन हैड विल रिटर्न फर्स्ट फाइव रोज ऑफ अ डेटा फ्रेम अगर आप एन की कोई भी वैल्यू नहीं देते हो तो क्या होगा स्टार्टिंग की जो फाइव रोज हैं डेटा फ्रेम की वो डिस्प्ले हो जाएंगी ओके okay? स्टार्टिंग की जो फाइव रोज हैं वो आ, क्या आप क्या कर सकते हो हेड फंक्शन की हेल्प से उनको एक्सेस कर सकते हो फेच कर सकते हो एंड यू कैन डिस्प्ले देम, ओके नाउ यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है डी टी एफ थ्री हमारा डेटा फ्रेम है जिसका नेम है डी टी एफ थ्री डॉट हैड और हैड में हमने पास कर दिया थ्री फाइन तो यहाँ इसकी फर्स्ट थ्री रोज जो है वो क्या है डेली मुंबई कोलकाता तो यहाँ पे देखो आपका एग्जाम्पल आ गया है यहाँ पे फर्स्ट थ्री रोज आ गई है आपकी डेटा फ्रेम की डेली मुंबई कोलकाता राइट फर्स्ट थ्री को फर्स्ट थ्री रोज यहाँ पे एक्सेस हो गई हैं ओके और अगर यहाँ पे आप थ्री नहीं देते राइट ये एम होता एन की कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या होता तो स्टार्टिंग की फाइव रोज़ अगर डेटा फ्रेम में फाइव रोज हैं तो फर्स्ट फाइव रोज डिस्प्ले हो जाते हैं ओके नेक्स्ट वी हैव टेल फंक्शन टेल फंक्शन का क्या यूज है द टेल फंक्शन लास्ट फ्रॉम अ डेटा फ्रेम टेल फंक्शन क्या करता है डेटा फ्रेम के बॉटम से जितनी भी रोज आप डिफाइन करोगे उतनी रोज को वो डिस्प्ले कराता है ठीक है मतलब एंड ऑफ डेटा फ्रेम के अंदर जो जितनी भी रोज को आप डिफाइन कर रहे हो पास कर रहे हो टेल फंक्शन के अंदर उतनी रोज को वो क्या करेगा डिस्प्ले करा देगा फाइन तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स है डी एफ डी एफ के आर डेटा फ्रेम का नेम डॉट टेल और टेल फंक्शन के अंदर आप वैल्यू uh, पास करोगे एन एन मतलब आप वन अगर वन आपको रोज चाहिए वन पास कर दो टू आपको थ्री रोज चाहिए थ्री पास कर दो लाइक दिस ओके इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू फॉर द एन देन टेल फंक्शन विल रिटर्न लास्ट फाइव रोज ऑफ द डेटा फ्रेम अगर आप टेल के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हो तो क्या करेगा वो ला डेटा फ्रेम की बॉटम से क्या करेगा आपको फाइव रोज डिस्प्ले करा देगा ठीक है आप फाइव रोज बॉटम से फाइव रोज को डिस्प्ले करा देगा मतलब डेटा फ्रेम के एंड से फाइव रोज डिस्प्ले करा देगा फाइन अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है डी टी एफ सी डी टी एफ सी क्या है डेटा फ्रेम का नेम डॉट टेल टेल फंक्शन उसमें पास करा दिया टू राइट right? तो यहाँ पे देखो डेटा हमारे डेटा फ्रेम में फोर रोज हैं तो लास्ट की टू रोज क्या है कोलकाता एंड चेन्नई फाइन तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या है कोलकाता एंड चेन्नई आपके पास टू रोज आ गई हैं कोलकाता एंड चेन्नई टू ऐड कॉलम्स इन द डेटा फ्रेम एंड हाउ वी कैन डिलीट कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम ओके हम डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स को कैसे ऐड कर सकते हैं या फिर उनको डिलीट कैसे कर सकते हैं ओके सो लेट अ स्टार्ट एडिंग कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम फर्स्ट हम करेंगे कि डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स को कैसे ऐड किया जा सकता है राइट मेथड वन फर्स्ट मेथड क्या है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर ओके ये इक्वल्स का साइन होता है वो क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है क्योंकि वैल्यू को असाइन करता है फाइन तो सबसे पहले हम कॉलम को ऐड करेंगे किसकी हेल्प से यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर फाइन तो इसका सिंटेक्स क्या है डी एफ डी एफ यहाँ पे क्या है डेटा फ्रेम का नेम फाइन ओके विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम कॉलम नेम मतलब वो कॉलम जो आप ऐड करना चाहते हो आप उसका नेम दोगे फाइन इक्वल्स इक्वल्स के बाद या आप इक्वल्स बोलो या इक्वल इक्वल टू भी बोल सकते हैं इक्वल्स ओके इक्वल्स के बाद आप दोगे लिस्ट ऑफ वैल्यूज अब जो कॉलम के अंदर जो वैल्यूज आप देना चाहते हो वो एज अ लिस्ट आप असाइन करोगे कॉलम नेम को अंडरस्टूड सिंटेक्स आप इसे देखो डेटा फ्रेम का नेम डी एफ यहाँ पे मैंने लिख रखा है आप कोई भी नेम ले सकते हो डेटा फ्रेम का कॉलम नेम वो कॉलम जो आप ऐड करना चाहते हो डेटा फ्रेम के अंदर ओके विद इन स्क्वायर ब्रैकेट ओके इक्वल्स इक्वल्स असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आपने किसका uh, क्या लिस्ट ऑफ वैल्यूज को uh, दिया है जो क्या बनेगी कॉलम की वैल्यूज ओके okay, Okay. यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं डी एफ डेटा फ्रेम का नेम ओके okay. अब यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम है डी एफ राइट उसमें एक डेटा फ्रेम है अब इसके अंदर हम क्या ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर हम एज कॉलम को ऐड करना चाहते हैं और इसकी हमने वैल्यूज यहाँ पे दे दी है सिक्सटीन सिक्सटीन फिफ्टी फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन फोर्टीन लाइक ओके okay, अब ये ध्यान रखना है वैल्यूज कितनी होनी चाहिए जितना ऑलरेडी उसके अंदर रोज है ठीक है डेटा फ्रेम जो बना हुआ है उसके अंदर जितनी रोज़ उतनी ही आप वैल्यूज जो एडिट कॉलम uh, ले रहे हैं उसमें आप डिफाइन करेंगे फाइन यहाँ पे सिंपली आपने क्या किया डेटा फ्रेम को एड कर दिया है अलोंग विद द वैल्यूज अब आप क्या करोगे प्रिंट करा दोगे डीएफ को ओके okay, अब आप प्रिंट कराओगे डीएफ को तो आप आउटपुट में क्या देखोगे एक न्यू कॉलम इसमें ऐड हो चुका है एज और उसकी वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो, हो गई फाइन समझ आ गया वेरी सिंपल है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे डेटा फ्रेम का नेम इन स्क्वायर ब्रैकेट यू विल गिव द कॉलम नेम कॉलम का नाम दोगे ओके ऑफ वैल्यूज दोगे जो उस कॉलम की वैल्यूज होंगी फाइन

आप डेटा फ्रेम में ऐड कर रहे हो तो अगर उस नेम का कॉलम ऑलरेडी यहां पर है मान लो एज कॉलम ऑलरेडी था ठीक है लेकिन मैंने फिर भी क्या किया एज करके वैल्यूज दे दी तो ये क्या करेगी जो 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 पुरानी एज एज की जो, जो पुराना वाला जो वाला ओल्ड कॉलम था उसकी वैल्यू को न्यू वाला जो कॉलम है वो रिप्लेस कर देगी मतलब जो न्यू वैल्यूज है वो आ जाएंगी और पुराने वाला जो एज कॉलम था वो वैल्यू क्या होंगी रिप्लेस हो जाएंगी वो वहां से डिलीट हो जाएंगी हर जाएंगी फाइन और अगर इस नेम का कोई कॉलम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा अलोंग विद द वैल्यूज समझ आया अगर ऑलरेडी एज कॉलम है और आप फिर भी एज कॉलम को ऐड कर रहे हो तो क्या होगा न्यू वैल्यूज आ जाएंगी एज कॉलम के अंदर पुरानी वाली जो ओल्ड वाली है वो रिप्लेस हो जाएंगी वो चली जाएंगी फाइन लेकिन अगर एज कॉलम नहीं है तो क्या होगा एज कॉलम ऐड हो जाएगा अलोंग विद द वैल्यूज ओके ओके नेक्स्ट मेथड क्या है कॉलम ऐड करने का यूजिंग सीरीज फंक्शन ओके हम लोग सीरीज फंक्शन का यूज करके डेटा uh, फ्रेम के अंदर कॉलम को ऐड करेंगे फाइन तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या है डी क्या है डेटा फ्रेम का नेम एफ नेम यहाँ पे हमने लिया है कॉलम नेम इक्वल्स इक्वल्स के बाद आपने क्या किया है पी डॉट सीरीज यहाँ पे पी क्या है पी है पांडाज राइट पांडास फंक्शन पांडास लाइब्रेरी का सीरीज फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पांडास लाइब्रेरी का सीरीज फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ओके पी डी डॉट सीरीज ओके और सीरीज के अंदर आप क्या बोल uh, क्या पास करोगे लिस्ट ऑफ वैल्यूज समझ आया आपने डेटा फ्रेम का नेम लिया ओके डी एफ इज द डेटा फ्रेम नेम स्क्वायर ब्रैकेट में आपने वो कॉलम नेम लिया जो आपको ऐड करना है फाइंड राइट ओके इक्वल्स किया पांडास का सीरीज फंक्शन आप फंक्शन के अंदर आपने लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास किया ओके okay. एंड एक इंडेक्स पैरामीटर भी आपको यहाँ पे देना है और इंडेक्स पैरामीटर में आप क्या करोगे जो वैल्यूज जो कॉलम की वैल्यूज आप एज अ लिस्ट पास कर रहे हो ये उसकी क्या है इंडेक्स वैल्यू फाइन और एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है क्या जो इंडेक्स आप दोगे इंडेक्स वैल्यू वो क्या होनी चाहिए वो डेटा फ्रेम की इंडेक्स वैल्यू से मैच करनी हो करती होनी चाहिए फाइन वन जीरो वन वन जीरो टू तो यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू डेटा फ्रेम में है वही इंडेक्स वैल्यू आप इंडेक्स जो एट्रीब्यूट या पैरामीटर आप पास कर रहे हो उसमें वो वही वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे फ़ाइन अब देखो हमारे पास डेटा फ्रेम डी एफ था तो उसके अंदर ये कॉलम्स थे नेम्स टू क्लास सेक्शन मार्क्स एज राइट हमने एक और ऐड कर दिया एफ नेम एफ नेम किसकी हेल्प से हमने ऐड किया है सीरीज फंक्शन की हेल्प से ऐड किया यहाँ पे सीरीज फंक्शन क्या करेगा इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा सीरीज में ओके एंड वी नो डैट जो डेटा फ्रेम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम कॉलम्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सीरीज होते हैं फाइन तो यहाँ पे क्या कर देगा इसको जो लिस्ट आपने पास की है और इन, उसको कन्वर्ट कर देगा सीरीज में और वो सीरीज़ कहाँ पे ऐड हो जाएगी वो सीरीज़ एज अ वैल्यू ऐड हो जाएगी आपके एफ नेम कॉलम में अंडरस्टूड फिर आपने इसको प्रिंट करा दिया प्रिंट डी एफ अब देखो यहाँ पे एक कॉलम आ गया एफ नेम आप जो ये प्रोग्राम्स हैं इनको एग्जीक्यूट कर सक कर सकते हो जो भी आपके पास एडिटर हो लाइक मैं ये प्रोग्राम्स करती हूँ नोटबुक पर ओके okay. एंड uh, आपकी जो पाइथन नोटबुक होती है उसपे मैं इसको uh, करती हूँ आप किसी भी एडिटर पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं फाइन जुपिटर नोटबुक फाइन ओके अब देखो यहाँ पे हमने सीरीज से क्या किया लिस्ट ऑफ वैल्यूज को कन्वर्ट किया सीरीज में सीरीज फंक्शन की हेल्प से हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज को कन्वर्ट किया सीरीज में वो सीरीज कहा चलेगी एफ नेम कॉलम में एज अ वैल्यू फाइन ओके हेयर अ न्यू कॉलम एफ नेम इज एडेड टू डेटा फ्रेम डी एफ यूजिंग सीरीज फंक्शन तो यहाँ पे हमने एक नया कॉलम ऐड किया है एफ नेम डेटा फ्रेम डी एफ डी एफ के अंदर और यूजिंग सीरीज फंक्शन सीरीज फंक्शन को यूज करके सीरीज फंक्शन ने क्या किया लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दिया सीरीज में और उसको हमने क्या ऐड कर दिया डेटा फ्रेम में फाइन

अंडरस्टूड देखो नो इफ वी डू नॉट द इंडेक्स अगर हम इंडेक्स को मैंशन नहीं करते हैं वाइल इंसर्टिंग द कॉलम्स विद सीरीज डेटा ठीक है जब हम कॉलम uh, को इंसर्ट करें series data, uh, uh, को लेके वो कॉलम जिसके अंदर कौन सा डेटा है सीरीज डेटा है कॉलम इज एडिट कॉलम तो एड हो जाएगा बट वैल्यूज आर नॉट इंसर्टेड पर उसकी वैल्यूज नहीं आएगी समझ आया इंडेक्स देना बहुत जरूरी है अगर इंडेक्स नहीं दोगे तो कॉलम नेम आ जाएगा सिंपली बट क्या होगा उसकी वैल्यूज अपियर नहीं करेंगी फाइन ओके नेक्स्ट मेथड इज एडिंग कॉलम्स यूजिंग असाइन फंक्शन अब यहाँ पे हम असाइन फंक्शन का यूज करेंगे फाइन तो इसका इंडेक्स क्या है डेटा फ्रेम डॉट असाइन ओके डेटा फ्रेम का नेम डॉट असाइन फंक्शन और असाइन मेथड असाइन न्यू कॉलम टू आ डेटा फ्रेम तो ये क्या करता है एक न्यू कॉलम असाइन कर देता है डेटा फ्रेम को रिटर्निंग अ न्यू ऑब्जेक्ट और अ कॉपी विद द न्यू कॉलम्स एडेड टू द ओरिजिनल वन तो यहाँ पे क्या है जो डेटा फ्रेम ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें चेंज नहीं आ रहा है एक कॉपी क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर वो न्यू कॉलम एडेड है अंडरस्टूड जो डेटा फ्रेम है वो सेम रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जो न्यू कॉलम ऐड होगा वो किस में होगा वो डेटा फ्रेम की कॉपी क्रिएट होगी उसके अंदर वो कॉलम ऐड होगा अंडरस्टूड ओके एग्जांपल ऐड अ न्यू कॉलम हॉबी इन द डेटा फ्रेम डीएफ हमारे पास डेटा फ्रेम डीएफ है अगर हमें उसके अंदर न्यू कॉलम ऐड करना है यूजिंग असाइन फंक्शन हम कैसे करेंगे डीएफ इक्वल्स ओके डीएफ इक्वल टू डीएफ डॉट असाइन और असाइन फंक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हो आप वैल्यूज पास कर रहे हो हॉबी हॉबी यहाँ पे कॉलम uh, का नेम है इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज फाइन तो आपने क्या किया डीएफ डॉट असाइन फंक्शन के अंदर आपने कॉलम का नेम पास किया ओके एंड कॉलम ने इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज जो क्या बनेंगी कॉलम की वैल्यू अंडरस्टूड ओके okay, तो यहां पे फिर क्या है एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा हॉबी नेम से और उसकी वैल्यूज होंगी क्रिकेट चेस जो आपने इसको असाइन फाइन नाउ प्रिंट प्रिंट डीएफ डीएफ अब आप DF को करेंगे तो यहाँ पे हमारा पहले डेटा फ्रेम डीएफ था ओके okay, जिसमें क्या थे फोर कॉलम्स थे नेम्स टू क्लास सेक्शन मार्क्स अब यहाँ पे एक कॉलम और आ गया है हॉबी राइट right? आपने हॉबी किसकी हेल्प से ऐड किया है आपने असाइन फंक्शन की हेल्प से हॉबी कॉलम को ऐड किया है ओके विद असाइन फंक्शन यूज ऑफ इंडेक्स इज नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पे इंडेक्स का uh, की रिक्वायरमेंट नहीं है इंडेक्स स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है फाइन सिंपली आपने डीएफ डेटा फ्रेम के असाइन फंक्शन के अंदर कॉलम नेम uh, को पास किया कॉलम नेम इक्वल्स एंड द लिस्ट ऑफ वैल्यूज ठीक है ओके नाउ वी नेक्स्ट मेथड वी हैव इंसर्टिंग कॉलम्स यूजिंग इंसर्ट फंक्शन ओके अब हम कॉलम को इंसर्ट करेंगे इंसर्ट फंक्शन का यूज करके पांडाज इंसर्ट मेथड अलाउज अस टू इंसर्ट अ कॉलम इन अ डेटा फ्रेम पांडा का इंसर्ट मेथड अब ये ध्यान रखो मेथड वर्ड आता है या फंक्शन वर्ड आता है इन दोनों का मीनिंग सेम है ओके इंसर्ट मेथड क्या करता है अलाउज अस टू इंसर्ट अ कॉलम हम लोगों को कॉलम इंसर्ट करने में हेल्प करता है डेटा फ्रेम में फाइन और ये किसका फंक्शन है पांडास का फंक्शन है

के अंदर आप तीन पैरामीटर्स पास करेंगे लोकेशन कॉलम नेम एंड वैल्यू कॉलम वैल्यू फाइन लोकेशन कॉलम का नाम और कॉलम की वैल्यू राइट अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं इंसर्ट कॉलम वो उसको कहाँ करना है सेकेंड इंडेक्स पोजिशन पर उसको करना है सेकेंड इंडेक्स पोजिशन पर उसको आपको इंसर्ट करना है राइट right? अब आपने एक वेरिएबल लिया आईडी ओके okay. उसको आपने असाइन किया वैल्यू टू Fine, क्योंकि हमें सेकेंड इंडेक्स पर लेना है तो यहाँ पे हमने क्या किया वेरिएबल के अंदर टू को सेंड कर दिया है ग्रेड ठीक है हम ग्रेड कॉलम ले रहे हैं तो ग्रेड हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ऑल लिया ग्रेड और उसके अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिया ग्रेड्स को Fine. अब आप simply क्या करोगे सिंटेक्स यूज करोगे DF .insert, insert method के अंदर सबसे पहले आपने लोकेशन को पास वेरिएबल कि मतलब तो यह था वो क्या किया लोकेशन इक्वल टू इक्वल्स टू आईडी लोकेशन हमारी क्या है सेकेंड इंडेक्स पोजिशन फाइन आ गया ओके कॉलम का जो नेम है वो क्या है ग्रेड्स फाइन वैल्यू और जो कॉलम की वैल्यू क्या है वो ये है हम उस हमने हमने वैल्यू को असाइन कर दिया ग्रेड वेरिएबल जिसके अंदर लिस्ट ऑफ ग्रेड्स दे रखे हैं समझ आया यहाँ पे सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया लोकेशन लोकेशन के अंदर आपने आईडियज की वैल्यू को असाइन कर दिया जो कि क्या है टू सेकंड इंडेक्स पोजीशन फिर आपने कॉलम नेम दे दिया ग्रेड्स कॉलम नेम इक्वल्स इक्वल्स टू ग्रेड्स Then, आपने थर्ड वेरिएबल लिया value. Value के आपने असाइन कर दिया ग्रेड वेरिएबल को क्योंकि उसके अंदर क्या है लिस्ट ऑफ ग्रेड्स है फाइन नो no, अब आपने प्रिंट करा दिया डी एफ को ओके okay? अब यहाँ पे देखो आपका ग्रेड कॉलम क्या है सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे आया आपके जीरो इंडेक्स पर है नेम एंड वन इंडेक्स पे है आपका स्टूड क्लास सेकंड इंडेक्स पे आपका आ गया ग्रेड ओके तो इंसर्ट फंक्शन का क्या क्या यूज है इसकी हेल्प से हम किसी भी पोजीशन पर डेटा डेटा फ्रेम में कॉलम को ऐड कर सकते हैं फाइन किसी भी पोजीशन uh, पर आप कॉलम को ऐड कर सकते हो ओके ओके नाउ वी विल डू हाउ वी कैन डिलीट अ कॉलम इन अ डेटा फ्रेम हम डेटा फ्रेम के अंदर से कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं ओके तो यहाँ पे हमारे पास तीन मैथड है मैथड वन डेल डेटा फ्रेम कॉलम नेम यहाँ पे डेल की का यूज किया जाएगा डेटा फ्रेम का नेम और जो कॉलम आपको डिलीट करना है वो ओके नेक्स्ट मेथड है डेटा फ्रेम डॉट पॉप फंक्शन पॉप फंक्शन के अंदर आप कॉलम नेम को पास करोगे थर्ड मेथड है डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप फंक्शन जहां पे आप इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करोगे उस कॉलम की जिसको आपको डिलीट करना है या फिर आप सीक्वेंसेस ऑफ इंडेक्स दोगे मतलब बहुत सारे इंडेक्स वैल्यूज दोगे जो जो कॉलम्स आपको डिलीट करने हैं अब इसको हम वन बाय वन समझेंगे कैसे ओके okay? यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम ले लिया डी एफ ओके जिसके अंदर कॉलम्स क्लास सेक्शन मार्क्स एज एंड एफ नेम ओके फर्स्ट मेथड है आपका डेल डेटा फ्रेम कॉलम नेम ओके okay, डेल कीवर्ड आप यूज करोगे डेटा फ्रेम का नेम दोगे और उस कॉलम को आप स्पेसिफाई करोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो आप डिलीट करना चाहते हो ओके कंसिडरिंग एफ नेम अब यहां से हम क्या करेंगे हमारे पास डेटा फ्रेम डी एफ है इसमें से हम एफ नेम को डिलीट करेंगे तो सिंपली आप क्या कमांड दोगे डेल डेल की वर्ड डी एफ डीएफ क्या है डेटा फ्रेम का नेम आप कुछ और डेटा फ्रेम का नेम होते तो आप वो नेम यहाँ पे देते विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम नेम जो आपको डिलीट करना है फाइन एंड देन यू विल प्रिंट इट आप प्रिंट फंक्शन में भी इसको प्रिंट कर सकते हो सिंपली भी आप डी एफ लिखोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा फाइन अब यहाँ पे देखो हमने एफ नेम कॉलम को डिलीट किया तो यहाँ पे नेम क्लास सेक्शन मार्क्स एंड एज आपका आउटपुट में क्या है एफ नेम कॉलम डिलीट हो चुका है ओके ओके नेक्स्ट मेथड है कॉलम डिलीट करने का डेटा फ्रेम डॉट पॉप और पॉप फंक्शन और पॉप फंक्शन के अंदर आप कॉलम नेम पास करोगे जो भी आप डिलीट करना चाहते हो फाइन अब यहाँ पे कंसिडिंग द ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा फ्रेम डीएफ डिलीट द कॉलम एज हम क्या करेंगे एज कॉलम को डिलीट करेंगे राइट right? अब पॉप फंक्शन का क्या है यहाँ पे हमने कमांड दी डी एफ डॉट पॉप एज ओके इट द पॉप फंक्शन क्या करेगा क्या करेगा एज कॉलम को डिलीट करेगा और एज अ आउटपुट एज कॉलम को डिस्प्ले करेगा फाइन इट विल आल्सो रिटर्न द एज कॉलम एज अ आउटपुट समझ आ रहा है इसने क्या किया इसको डिलीट कर दिया एज कॉलम को डिलीट कर दिया और आउटपुट में एज कॉलम को uh, क्या करेगा ये शो करेगा इट विल डिस्प्ले इट इट विल रिटर्न इट फाइन ओके वेन वी डिलीट यूजिंग द पॉप फंक्शन नॉट ओनली द कॉलम रिलेटेड बट ऑल्सो शो द कंटेंट ऑफ द एंटायर कॉलम ओके एज द आउटपुट ऑफ द कमांड तो क्या करेगा एज द आउटपुट क्या शो करेगा जो भी आपने कॉलम डिलीट किया है तो उसका ये आउटपुट में उस कॉलम को शो करेगा फाइन विल प्रिंट द डेटा फ्रेम वी विल फाइंड द कॉलम हैज बीन डिलीटेड और ये कमांड देने के बाद आउटपुट में तो आपको क्या मिलेगा वो पर्टिकुलर कॉलम ही एज अ आउटपुट आएगा जो आपने डिलीट किया है फाइन लेकिन अब अब आप दोबारा डेटा फ्रेम को प्रिंट कराओगे तो क्या होगा उसके अंदर एज कॉलम आपको नहीं मिलेगा बिकॉज इट हैज बीन डिलीटेड वो डिलीट हो चुका है Fine. समझ आया जब आप कमांड देते हो डी और उसके अंदर जो भी कॉलम नेम आप पास रहे हो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा और आउटपुट में क्या आएगा वो पर्टिकुलर कॉलम अलोंग विद द डेटा आउटपुट में क्या करेगा डिस्प्ले करेगा राइट right? तो अगर आपको देखना है कि कॉलम डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है आप दोबारा से प्रिंट कमांड दोगे आप दोबारा से प्रिंट कराओगे डेटा फ्रेम को तो आप देख सकते हो कि वो कॉलम डिलीट हो चुका है Fine? ओके नेक्स्ट मेथड हमारा है डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप फंक्शन और ड्रॉप फंक्शन के अंदर आप या तो इंडेक्स वैल्यू पास करोगे उस कॉलम की जिसको आप डिलीट करना चाहते हो या फिर आप सिक्वेंस ऑफ इंडेक्सेस पास करोगे अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ डिलीट करना है ओके okay? उन सब के इंडेक्स आप इसमें पास करोगे राइट right? एग्जांपल लेते हैं कंसिडरिंग द ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा फ्रेम डी डिलीट द कॉलम मार्क्स हमारे पास डेटा फ्रेम डीएफ है जिसके अंदर कॉलम्स है नेम्स टूट क्लास सेक्शन एंड मार्क्स तो अभी यहाँ पे हम किस को डिलीट करें मार्क्स को डिलीट करें राइट कमांड क्या है

ओके okay, अगर प्लेस की वैल्यू ट्रू है इसका मतलब क्या है कॉलम जो आप डिलीट कर रहे हो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा फाइन हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा बट अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो क्या होगा इस कमांड के रिजल्ट में तो डिलीट हो जाएगा पर ओरिजिनल डेटा फ्रेम में वो कॉलम डिलीट नहीं होगा फाइन बाय डिफॉल्ट इन प्लेस की वैल्यू फॉल्स ही होती है ओके okay, तो आपको इसको यहाँ पेटली ट्रू करना पड़ेगा अगर आप परमानेंटली कॉलम को डिलीट करना चाहते हो और अगर आप इस पैरामीटर को भी नहीं देते हो इन प्लेस पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो इसको फॉल्स ही लेगा और इस पर्टिकुलर कमांड में तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा पर ओरिजिनल डेटा फ्रेम में वो कॉलम डिलीट नहीं होगा फाइन ओके okay? तो सिंपल हमने दिया मास कॉलम को डिलीट करने के लिए तो यहाँ पे देखो आपने इन प्लेस टू किया है और आउटपुट यहाँ पे हमारा आ गया है जो रिजल्ट क्या है विदाउट मार्क्स ठीक है मार्क्स के बिना आपका रिजल्ट आया ओके ओके एग्जाम्पल टू डिलीट टू कॉलम्स इन इतना डेटा फ्रेम अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम्स डिलीट करने हैं तो आप क्या करोगे डी एफ डॉट ड्रॉप डॉट ड्रॉप फंक्शन के अंदर आप एक कॉलम का नाम ना देके क्या दोगे लिस्ट ऑफ कॉलम्स दोगे विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आपने लिस्ट ऑफ कॉलम्स दे दिया एक्सिस आपका वन है इन प्लेस आपने ट्रू कर दिया ट्रू मीन्स ये कॉलम्स दोबारा मतलब ये कॉलम्स ओरिजिनल डेटा फ्रेम से भी डिलीट हो जाएंगे परमानेंटली फाइन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर कमांड के रिजल्ट में ही डिलीट होंगे ओके okay? क्योंकि हमने इन प्लेस की वैल्यू दी है ट्रू राइट right? तो यहाँ पे हमने दो कॉलम्स को डिलीट किया स्टूड क्लास एंड सेक्शन और आपका रिजल्ट आ गया है सिंपल आपके पास एक ही कॉलम बचा है रोहन यहाँ पे रोहन आ गया है ठीक है द पैरामीटर इन प्लेस इज इक्वल इक्वल टू टू विल ड्रॉप द कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम परमानेंटली ये मैंने आपको बता दिया है अगर इन प्लेस की वैल्यू आप ट्रू देते हो तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है कॉलम अदरवाइज इट वुड डू सो टेम्परेली बाई डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इन फॉल्स अगर आप नहीं करते हो तो ये क्या होगा इसको टेम्परेली मतलब उस कमांड के रिजल्ट में ही डिलीट करेगा ओरिजिनल डेटा फ्रेम में वो डिलीट नहीं होगा और बाई डिफ़ॉल्ट इन प्लेस की वैल्यू क्या होती है फॉल्स सो लेट इज स्टार्ट टू एड न्यू रोज इन अ डेटा फ्रेम अगर आपको डेटा फ्रेम में क्या करना है रोज को ऐड करना है फाइन तो यहाँ पे हमने एक डेटा फ्रेम लिया है डी एफ हैविंग कॉलम्स नेम क्लास सेक्शन एंड मार्क्स ओके एंड हैविंग सेवन रोज राइट तो इस डेटा फ्रेम को हमने क्रिएट किया है अब हम देखेंगे कि कैसे इस डेटा फ्रेम के अंदर डीएफ डेटा फ्रेम के अंदर हम और रोज को ऐड कर सकते हैं ओके फर्स्ट मेथड अब हम लोग फर्स्ट मेथड को यूज करेंगे फर्स्ट मेथड क्या है हेयर वी आर यूजिंग अपेंड फंक्शन हम अपेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं अपेंड फंक्शन क्या करेगा ज्वाइन करेगा न्यू रो को ऐड करेगा न्यू रो को एट द एंड ऑफ द डेटा फ्रेम मतलब एज अ लास्ट रो ऑफ द डेटा फ्रेम देखो एज द न्यू रो ऑफ कंटेंट इन टू अ डेटा फ्रेम अपेंड क्या करता है अपेंड ज्वाइन करता है डेटा को राइट अपेंड फंक्शन हमेशा ज्वाइन करता है डेटा को तो यहाँ पे हम न्यू रो को ऐड करने के लिए इन द एंड

तो हम रो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे अपेंड फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास करेंगे ठीक है जहाँ पे कॉलम नेम क्या होगा कीज एंड जो की की वैल्यू होगी वो क्या होगी उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज होंगी अंडरस्टूड देखो इसको एग्जांपल से मैं बताती हूँ लेट्स एड अ न्यू रो इन अवर डेटा फ्रेम बाई पासिंग डिक्शनरी ओके okay, अब क्या है हमारा डेटा फ्रेम क्या है डीएफ जो हमारा डेटा फ्रेम है ओरिजिनल डेटा फ्रेम है वो डीएफ है इक्वल्स टू डीएफ डॉट अपेंड अब देखो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि हम किसके अंदर न्यू रो ज्वाइन कर रहे हैं हम डीएफ के अंदर ही न्यू रो को ज्वाइन कर रहे हैं और जो न्यू रो ज्वाइन करने के बाद अपेंड करने के बाद इसको जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें क्या करना है हमें असाइन करना है ठीक है वो एडिशन हमें न्यू रो में सॉरी uh, वो एडिशन हमें डेटा फ्रेम के अंदर डालना है तो हम उसको असाइन कर देंगे जो भी अपेंड होगा वो हम डेटा फ्रेम के को असाइन कर देंगे दे देंगे ओके okay? तो डी एफ डॉट अपेंड फंक्शन में आपने क्या किया अपेंड फंक्शन में आपने की वैल्यू पेयर्स दिया ठीक है आपने किसका यूज़ किया यू आर पासिंग अ डिक्शनरी ओके यू आर पासिंग न्यू रो एज अ डिक्शनरी फाइन अब यहाँ पे देखो कॉलम नेम हमने कीज ली है और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डेटा फ्रेम की कॉलम्स नेम्स हैं वही आपको लेने हैं अगर आप डिफरेंट लोगे तो वो ऐड नहीं होगी रो फाइन तो डेटा फ्रेम की कॉलम नेम name है नेम्स तो हमने फर्स्ट जो की ली है वो नेम्स ली है और अपनी उसमें वैल्यू दे दी माहिरा फाइन सेकेंड हमने लिया है स्टूड क्लास की और उसकी वैल्यू दे दी है टेन सेक्शन ओके की एंड वैल्यू बी मार्क्स आपका की है एंड वैल्यूज की है सेवेंटी तो आपने क्या किया की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी फॉर्म में आपने पास किया है ओके राइट यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आपके के जो नेम है वो सेम होने चाहिए कॉलम नेम्स के तरह ठीक है क्योंकि अगर आप डिफरेंट दोगे तो रो ऐड नहीं हो पाएगी फाइन राइट right. अब ये हमारी जो डिक्शनरी थी वो एज अ रो ओके okay, हो जाएगी डेटा फ्रेम में और उसको हमने असाइन कर दिया ओरिजिनल डेटा फ्रेम में फाइन अब देखो हमने यहाँ पे एक पैरामीटर और दिया है इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू फ़ाइन अब यहाँ पे इग्नोर इंडेक्स क्यों दिया है पासिंग इग्नोर इंडेक्स ट्रू इज नेसेसरी वेल पासिंग डिक्शनरी और सीरीज अगर हम डिक्शनरी या सीरीज से क्या क्रिएट कर रहे हैं डेटा फ्रेम की रोज बना रहे हैं या कॉलम्स बना रहे हैं ठीक है तो हमें इग्नोर इंडेक्स को ट्रू देना जरूरी है अदरवाइज टाइप एरर विल कम अगर आप नहीं दोगे तो क्या आ जाएगा टाइप एरर आ जाएगा फाइन तो यहाँ पे क्या है इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू टू मीन्स यहाँ पे इंडेक्स को इग्नोर करके रो को ऐड किया जा रहा है फाइन अब देखो जब आपने प्रिंट डीएफ डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया तो क्या होगा आपकी uh, जो आपने रो ऐड की थी महिरा ठीक है uh, इस uh, uh, उसकी क्लास स्टूडेंट क्लास टेन सेक्शन बी एंड मार्क्स सेवेंटी ये ऐड हो गया है लेकिन एक चीज़ और नोटिस करोगे आप यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू थी ओरिजिनल डेटा फ्रेम की वो चेंज हो चुकी है वो अब क्या हो गए डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू आ गई है रोज की जीरो वन टू थ्री फोर लाइक दिस फाइन समझ आया तो यहाँ पे हमने क्या किया अपेंड कि मेथड की हेल्प से अपेंड की है रो को डेटा फ्रेम में मतलब उसको ज्वाइन किया है डेटा फ्रेम में फाइन ओके okay? और अपेंड अपन में आप किसको पास किया है आप आपने डिक्शनरी जो आपको रो ऐड करनी थी ओके okay? उसका उसकी वैल्यूज आपने एज अ डिक्शनरी पास की है फाइन अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डू नॉट फॉरगेट टू असाइन द अपेंडिंग ऑफ न्यू रो टू द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम ये अभी मैंने बताया कि जो आप आ, ये जो आपने कमांड यूज किया है उसको आप असाइन जरूर करोगे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में नहीं तो क्या होगा असाइन नहीं करोगे तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में एड नहीं होगी रो राइट नाउ द इंडेक्स ऑफ डेटा फ्रेम डी एफ इज नॉट सेम एज ओरिजिनल डेटा फ्रेम बिकॉज इग्नोर इंडेक्स इज पास्ट एज ट्रू इन द अपेंड फंक्शन तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ अभी आपको बताई है कि जब आपने इग्नोर इंडेक्स ट्रू किया है तो क्या हुआ है इंडेक्स इग्नोर हो गया है ओके okay, तो अब ओरिजिनल इंडेक्स नहीं आया है डिफॉल्ट इंडेक्स आया है रिजल्ट में ऑल्सो फॉर कॉलम्स विच वर नॉट प्रशनरी एन एन वैल्यू इज एडेड ओके अगर मान लो आपने जो डिक्शनरी पास की है उसमें आपने एक एक या दो कॉलम्स एज की वैल्यू नहीं लिए ठीक है तो वहाँ पे क्या होगा जैसे यहाँ पे एक सेक्शन और होता एज और मैंने यहाँ पे एज को डिफाइन नहीं किया एज की ना तो की लिए ना वैल्यू लिए ओके okay, तो एज का कॉलम खाली आ जाएगा वहां पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा एनएएन नॉट ओके वहां पे एनएएन वैल्यू ऐड हो जाएगी फाइन नो पासिंग इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल्स टू टू इज नेसेसरी वेल पासिंग डिक्शनरी और सीरीज अदरवाइज टाइप एरर विल कम ये मैंने आपको बताया है कि अगर आप एज अ डिक्शनरी और एज सीरीज डेटा क्या कर रहे हो पास कर रहे हो पेन फंक्शन में तो आपको इग्नोर इंडेक्स टू लेना है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा टाइप एर से डेटा फ्रेम ओके सेकेंड मैथड देखते हैं टू एड अकॉर्ड विद द लॉक फंक्शन ओके कंसिडर द फोलोइंग डेटा फ्रेम डीएफ अब हम हम यहाँ पे किस का यूज करें हम लॉक फंक्शन का यूज करें ओके okay? राइट right? हमारे पास डेटा फ्रेम डीएफ है यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर डेटा फ्रेम डीएफ ओके जहां पे आपके कॉलम्स है नेम्स क्लास सेक्शन एंड मार्क्स राइट एंड वी हैव सेवन रिकॉर्ड्स राइट अब हम uh, यहाँ पे किसका यूज करें लॉक फंक्शन का यूज करें ओके डी एफ डॉट लॉक और लॉक के अंदर आप क्या दे रहे हो uh, आप दे रहे हो रो uh, इंडेक्स रो इंडेक्स या फिर आप बोल सकते हो रो लेबल या रो नेम फाइन तो हम वन जीरो एट यहाँ पे हमने क्या दिया है रो इंडेक्स दिया है फाइन रो इंडेक्स को हमने असाइन किए वैल्यूज यहाँ पर देखो फर्स्ट है आपका नेम uh, दीप्ति स्टूडेंट क्लास ओके सेक्शन ए एंड मार्क्स अब आपको यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आपने वैल्यूज असाइन की हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स नेम्स होनी चाहिए ठीक है फर्स्ट आपको नेम देना है फर्स्ट आप क्लास नहीं दोगे या सेक्शन नहीं दोगे ओके आपको इस इसको कंसीडर करके ही वैल्यूज एज अ लिस्ट असाइन करनी है फाइन तो हमने क्या किया लॉ फंक्शन में आपने डिफाइन किया रो लेबल और यू कैन से रो 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 इंडेक्स इंडेक्स आपने दिया कि किस इंडेक्स पर आप वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो आपने वन जीरो रो इंडेक्स पर वैल्यूज को असाइन कर दिया फाइन तो ये कहाँ पे कहां पे जाके ऐड हो जाएंगी डेटा फ्रेम में जाके ये ऐड हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी ठीक है तो यहाँ पे देखो हेयर वी आर एडिंग न्यू रो एज अ लिस्ट हमने एक न्यू रो को एज अ लिस्ट एड किया है बाय मैंशनिंग द इंडेक्स वैल्यू फॉर द लॉग मैथड ओके कैसे लॉग मैथड या लॉक फंक्शन आप कुछ भी वर्ड uh, यूज uh, कर सकते हो हमने क्या किया है उसके लॉक uh, फंक्शन uh, के अंदर इंडेक्स स्पेसिफाई किया और उस इंडेक्स को वैल्यू क्या दी उस इंडेक्स को हमने वैल्यू असाइन कर दी एज अ लिस्ट वेरी सिंपल ओके आउटपुट अब आउटपुट में देखो यहाँ पे एक न्यू रो ऐड हो गई है जिसका इंडेक्स है वन जीरो एट नेम दीप्ति क्लास ट्वेल्व सेक्शन ए एंड मार्क्स नाइन्टी फाइव अंडरस्टूड तो सेकेंड मेथड क्या है बाय विद द हेल्प ऑफ लॉग फंक्शन वी आर असाइनिंग अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज टू द न्यू रो इंडेक्स ठीक है ओके नाउ मैथड थ्री टू रिप्लेस एन एक्सिस्टिंग रिकॉर्ड एट अंडेक्स इन दिद लॉक फंक्शन टू में देखा कि हम कैसे रो को एड कर सकते हैं, Fine. Now, अगर हम चाहते हैं किसी रो का जो डेटा है, है वो चेंज हो जाए फाइन वो आप कैसे करोगे उसको रिप्लेस कैसे करोगे उसकी उस यहां पर उसको रिप्लेस करने के लिए हम लॉक फंक्शन का यूज करें यहाँ पे DF क्या है डेटा फ्रेम का ओके okay? में आप क्या आ, कौन, आप इंडेक्स दोगे ओके okay, ओके okay? वो इंडेक्स उस रो का इंडेक्स जिसकी वैल्यू आप न्यू वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हो राइट right? तो यहाँ पे मेरे पास वन जीरो थ्री रो इंडेक्स है राइट right? जिसको मैंने लॉक फंक्शन के अंदर क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिया है फाइन इसकी वैल्यूज देखो ओरिजिनल वैल्यूज जो इसकी वैल्यूज uh, थी वो अमन इलेवन बी सिक्सटी फाइव थी राइट right, उसके प्लेस पे मैंने डिफरेंट वैल्यूज ले लिए एज अ लिस्ट फाइन और ये लिस्ट मैंने इसको असाइन कर दिया लॉग फंक्शन को ओके okay, फाइन तो यहाँ पे लॉग फंक्शन की हेल्प से न्यू वैल्यू असाइन हो जाएंगी वन जीरो थ्री इंडेक्स पर रो इंडेक्स पर ओके okay. आपने इसके बाद क्या किया डीएफ को प्रिंट करा दिया नाउ वी कैन सी द रिजल्ट यहाँ पे देखो पहले वन जीरो थ्री पे अमन इलेवन बी सिक्सटी फाइव था अब आप वन जीरो थ्री रो इंडेक्स पे देखोगे न्यू वैल्यूज आ गए विशाखा टेन ए फिफ्टी फाइन तो सिंपली रिप्लेस हो गया सिंपली आपने क्या किया डेटा फ्रेम के लॉग फंक्शन का यूज किया है लॉग फंक्शन में आपने रो इंडेक्स जिस भी रो इंडेक्स की वैल्यूज आपको चेंज की है वो आपने स्पेसिफाई किया और उस रो इंडेक्स पर आपने न्यू वैल्यूज़ को असाइन कर दिया असाइन का मीनिंग क्या होता है जब आप इक्वल साइन इक्वल्स साइन uh, का यूज़ करते हो या फिर आप इसको बोलोगे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हो तो वो क्या करता है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड की में uh, असाइन कर देता है फाइन तो यहाँ पे ये जो इक्वल्स टू है वो क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यूज़ को असाइन करता है फाइन तो यहाँ पे हमारा वन जीरो थ्री रो इंडेक्स पर न्यू वैल्यूज़ असाइन हो गई है और यू कैन से रिप्लेस हो गई है अगर हमें किसी भी specific location पर, data frame की किसी भी भी पर की में record को चेंज करना है वहां पे हम आईलॉग फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं फाइन जैसे डेटा फ्रेम डॉट आईलॉग आईलॉग में आपने क्या दिया इंडेक्स दिया है, इंडेक्स थ्री तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स थ्री कौन सा है दिस इज जीरो इंडेक्स ओके देन टू देन सॉरी देन देन एंड ठीक है तो हमारा इंडेक्स थ्री कौन सा है <coughs> right? यहाँ पे और रो इंडेक्स थ्री पर हमने न्यू वैल्यूज को असाइन कर दिया नेहा ट्वेल्व डी एंड तो पहले यहाँ पे क्या था स्नेहा सी फाइन अभी आपने न्यू वैल्यूज को असाइन कर दिया है नाउ वी विल सी द आउटपुट देखो रो इंडेक्स वन जीरो फोर पे आपका न्यू वैल्यूज आ गए नेहा ट्वेल्व डी एंड सिक्सटी फाइन आपने क्या किया आईलॉग फंक्शन की हेल्प से न्यू वैल्यूज को असाइन कर दिया एट द रो इंडेक्स थ्री यहाँ पे देखो द डेटा फ्रेम अस टू अ न्यू रो एज लिस्ट डेटा फ्रेम का लॉग मैथड हमें क्या करता है एक न्यू रो हम उसमें एड कर सकते हैं एज अ लिस्ट बाईनिंग बायशनिंग द इंडेक्स पोजिशन फॉर द आईलॉग मैथड ओके आपको जिस इंडेक्स पर रो इंडेक्स पर न्यू डेटा uh, आपको रिप्लेस uh, करना न्यू डेटा uh, आपको वहां पे ऐड करना है वहाँ उस इंडेक्स को आप स्पेसिफाई करोगे आई लॉ फंक्शन में और एज अ लिस्ट डेटा को असाइन कर दोगे ठीक है जैसे हमने यहाँ पे किया सिंपल ओके ओके अभी हमने किया कि हम रोज को कैसे ऐड कर सकते हैं डेटा फ्रेम में नाउ वी विल डू हम रोज को कैसे डिलीट कर सकते हैं डेटा फ्रेम से ओके टू डिलीट रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम न यूज इंडेक्स लेबल टू डिलीट और ड्रॉप रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम तो ये क्या कह रहे हैं हम इंडेक्स लेबल्स मतलब इंडेक्स का यूज कर सकते हैं रोज की इंडेक्स का यूज कर सकते हैं रोज को डिलीट करने के लिए ओके <coughs> If लेबल is duplicated, then मल्टीपल रोज विल be ड्रॉप्ड अगर इंडेक्स uh, रिपीट हो रहा है तो क्या होगा सेम इंडेक्स की रोज़ uh, क्या होंगी मल्टीपल रोज डिलीट हो जाएंगी अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है इंडेक्स मैं अगर मैं वर्ड यूज़ करती हूँ इंडेक्स या रो नेम या फिर uh, यूज करती हूँ रो लेबल तो ये इन सबका मीनिंग सेम होता है <coughs> डिलीशन ऑफ द रोज यहाँ पे हम डेटा फ्रेम डीएफ ले रहे हैं फाइन जिसमें से हम क्या करेंगे रोज को डिलीट करेंगे यहाँ पे देखो आप देखो कॉलम्स एंड नेम्स सेक्शन एंड मार्क्स एंड वी है ना मेथड वन बाई यूजिंग द ड्रॉप फंक्शन हम ड्रॉप फंक्शन का यूज करके डेटा फ्रेम से रोज को डिलीट करेंगे fine? By giving specific और मल्टीपल रोलेबल अब ड्रॉप फंक्शन के अंदर कोई भी एक रोलेबल या फिर कोई मल्टीपल रोलेबल्स देकर मतलब मल्टीपल रोल इंडेक्स देकर हम क्या कर सकते हैं रोज को डिलीट कर सकते हैं फाइन द पैरामीटर इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू विल ड्रॉप द रो ऑफ द डेटा फ्रेम परमानेंटली ये हम पहले भी कर चुके हैं अगर आप पैरामीटर इन प्लेस की वैल्यू ट्रू देते हो तो क्या होगा वो रो वो रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट हो जाएगा वो दोबारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम में अपीयर नहीं होगा ओके अदरवाइज इट वु इट वुड डू सो टेम्परेली बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इन प्लेस इज फॉल्स ठीक है तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा जो आपने डिलीट किया है रो वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में फिर से अपीयर हो जाएगी फिर से आ जाएगी फाइन मतलब जो रिजल्ट आएगा उसमें तो डिलीट होगी बट ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं होगा वो रो डिलीट नहीं होगी तो यहाँ पे हम इन प्लेस को ट्रू देंगे और बाय डिफॉल्ट अगर हम इन प्लेस की वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही होती है ओके okay? फॉल्स होती है मतलब जो आप जो भी रो डिलीट कर रहे हो वो रिजल्ट एक पर्टिकुलर कमांड के रिजल्ट में तो वो रो नहीं आएगी बट जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा उसमें वो रो एज इट इज रहेगी फाइन तो यहाँ पे हम कमांड देखते हैं डी एफ डेटा फ्रेम के ड्रॉप फंक्शन के अंदर हमने पास कर दिया रो लेबल रो लेबल कह सकते हो या आप रो इंडेक्स कह सकते हो वन जीरो सिक्स This one. ठीक है और हमने इन प्लेस को भी कर दिया टू इन प्लेस को टू कर दिया तो ये रो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी फाइन तो यहाँ पे देखो वन जीरो नो आप आउटपुट देखेंगे यहाँ पे देखो वन जीरो सिक्स जो था हमारा रिकॉर्ड वो डिलीट हो चुका है कंप्लीटली हेयर रो है इंडेक्स लेवल और इंडेक्स वैल्यू एज वन जीरो सिक्स हैज डिलीटेड ओके तो ड्रॉप फंक्शन का यूज करके हमने क्या किया है वन रो को डिलीट किया है ओके okay? If we want to delete more than one row. पास द इंडेक्स लेबल्स एज अ लिस्ट इन द ड्रॉप मेथड अगर हम चाहते हैं एक से ज्यादा रो को डिलीट करना तो हम क्या करेंगे ड्रॉप फंक्शन के अंदर लिस्ट ऑफ इंडेक्स लेबल्स पास कर देंगे मतलब वो उस उस रो का इंडेक्स पास कर देंगे एज अ लिस्ट जो जो हम डिलीट करना चाहते हैं फाइन यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं डी एफ डेटा फ्रेम का नेम है डॉट ड्रॉप ड्रॉप के अंदर हमने लिस्ट पास कर दी है इंडेक्स की वन जीरो सेवन वन जीरो एट वन जीरो सेवन वन जीरो एट और इन प्लेस इन प्लेस पैरामीटर की वैल्यू दे दी ट्रू तो जिससे क्या होंगे ये दोनों रिकॉर्ड्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे राइट नाउ हमने अब डी एफ को प्रिंट करा दिया लुक एट द आउटपुट दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स वन जीरो सेवन और वन जीरो एट क्या हो गए डिलीट हो गए फाइन तो ड्रॉप फंक्शन में आप अगर अगर चाहते हो एक से ज्यादा रोज डिलीट हो तो उनको एज अ लिस्ट आप ड्रॉप फंक्शन के अंदर पास कर दोगे नाउ मेथड टू फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था ड्रॉप के अंदर पास किया था डायरेक्टली रो लेबल मतलब रो का नेम वन जीरो टू वन जीरो अब हम यहाँ पे रो का नेम नहीं लेके रो का इंडेक्स दे रहे हैं फाइन

फाइन और प्लेस कर दिया ट्रू तो कौन सी रो हमारी डिलीट हो जाएगी वन जीरो रिजल्ट में 101, 102 आया है 103 हो गया 104 and 105. <coughs> Understood. Second method में हमने क्या किया है इंडेक्स स्पेसिफाई uh, uh, किया है ओके डायरेक्ट रो लेबल स्पेसिफाई किया इंडेक्स स्पेसिफाई किया df डी एफ डॉट इंडेक्स और जो भी आपको इंडेक्स रो इंडेक्स डिलीट करना है वो आपने यहाँ पे दे दिया है ओके ऐसे okay? ही आपको क्या आ, आ, जो मेथड थ्री है वो क्या है बाय गिविंग रेंज ऑफ इंडेक्सेस आप इंडेक्सेस की रेंज भी दे सकते हो ठीक है तो एक साथ मल्टीपल रोज डिलीट हो जाएंगी जैसे हमने क्या किया डीएफ डॉट ड्रॉप ड्रॉप फंक्शन के अंदर आपने पास किया डीएफ डॉट इंडेक्स और इंडेक्स के अंदर आपने दे दी रेंज तो रेंज में क्या है स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है तो ये कहाँ से माना जाएगा जीरो इंडेक्स से माना जाएगा जीरो इंडेक्स टिल थ्री माइनस वन टू ओके एंडिंग इंडेक्स इज ऑलवेज माइनस वन तो ये जीरो से लेकर टू क्या होगा इंडेक्स वैल्यू लेगा तो जीरो हमारी ये है ओके okay, वन हमारा ये है एंड टू हमारा ये है तो आपकी कौन कौन सी रोज डिलीट होंगी वन जीरो वन वाली वन जीरो टू एंड वन जीरो फोर आपकी डिलीट हो जाएगी और इन प्लेस हमने ट्रू दिया दैट मींस ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी राइट अब आप रिजल्ट देखो आपके पास सिर्फ वन रो यहाँ पे आई है जो रह गई है वन जीरो फाइव Understood? तो हमने क्या किया है ड्रॉप फंक्शन के अंदर रेंज uh, ऑफ की हेल्प से हमने मल्टीपल रोज को एक साथ डिलीट कर दिया है right? in किसकी हेल्प से इंडेक्सिंग की हेल्प से राइट आर टू इंडेक्सिंग डेटा फ्रेम आप डेटा फ्रेम की इंडेक्सिंग किस तरीके से करते हो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग में क्या है आप रोज एंड कॉलम्स को लेबल्स देते हो मीन्स नेम्स देते हो राइट एंड बुलियन इंडेक्सिंग बुलियन इंडेक्सिंग में क्या है आप रोज एंड लेबल्स को बुलियन वैल्यूज देते हो राइट बुलियन वैल्यूज कौन सी होती है आपकी ट्रू एंड फॉल्स ओके तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग There are several methods in pandas to implement label based indexing. In pandas आपको बहुत सारे methods provide कर है जिसकी हेल्प से आप लेबल बेस इंडेक्सिंग कर सकते हो राइट और यहाँ पे हम कौन से यूज करेंगे यहाँ पे हम लॉक मेथड का यूज करेंगे डेटा डेटा फ्रेम फ्रेम डॉट मेथड मेथड इज इज एन दैट फॉर लेबल इंडेक्सिंग विद राइट जो आपका लॉग मेथड है वो क्या है एक यूजफुल मेथड है जिसकी हेल्प से आप लेबल बेस इंडेक्सिंग कर सकते हो राइट तो यहाँ पे डेटा फ्रेम क्या है डेटा फ्रेम है डेटा फ्रेम का नेम ओके डीएफ uh, आपका हमने डेटा फ्रेम ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पे डी नेम से जिसके अंदर देखो रोज एंड कॉलम्स है ये रो लेबल्स है आपके मैथ साइंस हिंदी और ये आपके कॉलम लेबल्स हैं अर्नब रमेश समृद्धि रिया मलिका राइट right? ये आपके कॉलम लेबल्स हैं ओके है सिंगल रो लेबल रिटर्न द रो एज अज ओके जब आप एक पर्टिकुलर रो को एक्सेस करते हो यूजिंग द लॉग फंक्शन तो वो किस फॉर्म में रिटर्न होती है किस फॉर्म में आप एक्सेस करते हो इन द फॉर्म ऑफ सीरीज सीरीज क्या होता है वन डायमेंशनल डायमेशनल होता है राइट right? ओके okay, तो यहाँ पे देखो हमने कमांड यूज किया डी एफ डॉट लॉक डी एफ क्या है डेटा फ्रेम का नेम ये हमारा डी एफ डेटा फ्रेम है डेटा फ्रेम का नेम डॉट लॉक और लॉक के अंदर आपने पास किया है उस रो का लेबल जो आपको एक्सेस करनी है तो हमने यहाँ पे साइंस रो का लेबल यहाँ पे पास किया है लॉक फंक्शन के अंदर राइट स्ट्रिंग वैल्यू है तो आप इसको विद इन कोर्स दोगे राइट विद इन कोर्स आपको इसको देना है ओके okay, तो यहाँ पे देखो ये आपका रिजल्ट आ गया है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ओके ये आपके सीरीज के फॉर्म में आ गई है कंप्लीट रो दिस इज योर रो विच हैज कम इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ओके तो यहाँ पे अर्नब रमेश जो आ, क्या है कॉलम नेम्स है वो क्या बन जाएंगे इंडेक्स वैल्यूज बन जाएंगे ओके okay? ये आपके डेटा एलिमेंट्स हैं और उन डेटा एलिमेंट्स की ये इंडेक्स वैल्यू है राइट right? Also note that when the rule label is passed as an integer value, जब आप log function के अंदर कोई integer value pass करते हो, it is interpreted as the label of the index and not as an integer position along the index. तो इसको simple term में समझो, जब आप log function के अंदर integer value pass करते हो, तो वो क्या होता है? As a index value, वो उसको लेता है। आपको पता है index value zero से start होती है, zero, one, two, three, right? Okay? आपकी index value ऐसे start होती है है ओके okay? तो जैसे आपने यहां पे लिया df df आपका क्या है डेटा फ्रेम का नेम डॉट लॉक और आपने पास किया 2 तो ये कौन सी वैल्यू को एक्सेस करेगा ये एक्सेस करेगा 30 को तो आप यहां पे रिजल्ट देख सकते हो आपका क्या है आपके जो आपने कमांड दी है उसका रिजल्ट आपके पास क्या है 30 राइट right? अंडरस्टूड क्या ये कहना चाह रहा है अगर आप लॉग फंक्शन के अंदर इंटीजर वैल्यू पास करते हो ओके okay? तो वो क्या कंसीडर होगी वो उसकी इंडेक्स वैल्यू कंसीडर होगी राइट right? ओके okay? जैसे यहाँ पे नेम्स भी होते लेटर सपोज यहाँ पे नेम्स होते ए बी सी और आपने यहाँ पे मान लो यहाँ इसकी आपने लेबल्स दिए होते ए बी सी डी आपने इनको लेबल्स भी दिया होता राइट right? ए और आपने यहाँ पे वैल्यू क्या पास किया टू तो ये किसको एक्सेस करता ये इस थर्टी को ही एक्सेस करता कैसे क्योंकि आपको पता है इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है जीरो से लेकर स्टार्ट होती है सो ऑन ओके टिल द लास्ट एलिमेंट तो यहाँ पे इसको पा... क्या करता थर्टी को एक्सेस करता समझ आया अगर इंडेक्स वैल्यू भी आपने डिफरेंट दे रखी होती आपने डिफरेंट लेबल्स दे रखे होते ओके okay?

ऑनली कॉलम दे देते हो तो इसका मीनिंग क्या होता है इट कवर्स ऑल द रोज और इट कवर्स ऑल द कॉलम्स जिस भी पोजीशन पर दे रहे हो आपने यहाँ पे रो रो वाली पोजीशन पे दिया है तो ये अर्नव कॉलम सॉरी अर्नव कॉलम की सारी रोज के डेटा को कवर करेगा फाइन ये मैथ से लेकर साइंस तक सारे रोज के डेटा को कवर करेगा समझ आ रहा है यहाँ पे आपको कौन सा कॉलम चाहिए आपको अर्णव चाहिए आपने अर्ण दिया है और आपने ये भी स्पेसिफाई किया है दैट इट विल कवर ऑल द द फ्रॉम फ्रॉम जीरो इंडेक्स टिल एंड राइट और आपका रिजल्ट देखो किस फॉर्म में आ गया आपका रिजल्ट आ गया एज अ सीरीज राइट ओके तो ये क्या है सीरीज की इंडेक्स वैल्यू है और ये क्या है डेटा एलिमेंट्स है राइट right? तो ये आपका एक्सेस होके आ गया अर्णव फाइन कॉलम है उसका कम्प्लीट डेटा एक्सेस कर सकते हो राइट आपने क्या कमांड दिया है प्रिंट डी एफ डी एफ क्या है डेटा फ्रेम का नेम ओके एंड ब्रैकेट में आपने दे दिया अर्नब ओके दिस इज वेरी सिंपल तो आपका क्या आ गया है आपने कम्प्लीट जो आपका कॉलम था उसको एक्सेस कर दिया फाइन तो आपके पास ही रिजल्ट आ गया ओके नाउ टू रीड मोर देन वन रो फ्रॉम द डेटा डेटा फ्रेम फ्रेम आपको की एक से ज्यादा को रीड करना है लिस्ट ऑफ रो लेबल्स इज यूज एज शोन बिलो राइट तो आप क्या करोगे जो जो आपको रोज चाहिए जिस जिस रोज का आपको डेटा एक्सेस करना है तो आप लॉग फंक्शन में एज अ लिस्ट ओके एज अ लिस्ट उनको पास कर दोगे राइट right? तो यहाँ पे अगर देखो ये क्या है आपने लिस्ट की फॉर्म में जो भी रोज चाहिए थी उनको पास कर दिया साइंस एंड देन हिंदी आपने दो रो, रोज के लेबल्स को पास किया है राइट right, तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखो आपके पास दोनों रोज का डेटा आ गया है फाइन तो ये क्या है लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे आप क्या पास करते हो रो लेबल और यू पास द कॉलम लेबल रो लेबल पास करोगे तो रो एक्सेस करेगी कॉलम लेबल पास करोगे तो कॉलम को एक्सेस करेगा ओके okay? इंडेक्सिंग क्या होता है और बुलियन इंडेक्सिंग का क्या यूज है बुलियन इंडेक्सिंग ओके बुलियन मीन्स ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू ओके बुलियन वैल्यूज कौन सी होती है ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू तो जहां पे आप इंडेक्सिंग कर रहे हो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू

राइट वी नीड अ डेटा फ्रेम विद अ बुलियन इंडेक्स टू यूज द बुलियन इंडेक्सिंग बुलियन इंडेक्सिंग का यूज करने के लिए आपको डेटा फ्रेम में कैसा इंडेक्स चाहिए बुलियन इंडेक्स चाहिए आप इंटीजर इंडेक्स या स्ट्रिंग इंडेक्स वैल्यूज का यूज़ नहीं करोगे आप कौन सी वैल्यूज का यूज़ करोगे बुलियन इंडेक्स वैल्यूज का यूज करोगे बुलियन इंडेक्सिंग के लिए ओके okay? वी कैन अचीव द वुलन इंडेक्सिंग बाई फॉलोइंग द बिलो गिवन स्टेप्स अगर आपको बोलियन इंडेक्सिंग का यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको ऐसा डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें इंडेक्स वैल्यूज क्या हो बोलियन हो ओके okay? तो इसमें फर्स्ट आप क्या करोगे क्रिएट द डिक्शनरी ऑफ डेटा आप डेटा की डिक्शनरी क्रिएट करोगे कन्वर्ट इट इंटू अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट विद अ बुलियन इंडेक्स एज अ वैक्टर ओके आप डिक्शनरी को कन्वर्ट करोगे डेटा फ्रेम में राइट right? पांडास uh, के डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज करके हमने पहले भी किया कि कैसे डिक्शनी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं ओके okay? एंड जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे तो आप एक्सप्लिसिटली बुलियन इंडेक्स भी डिफाइन करोगे मतलब खुद से बुलियन इंडेक्स भी दोगे अदरवाइज डिफॉल्ट इंडेक्स आ जाएगा ओके okay? नाव एक्सेस द डेटा यूजिंग बुलियन इंडेक्सिंग आपने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया जिस जिसका इंडेक्स क्या है बुलियन इंडेक्स है अब आप, आप क्या कर सकते हो बुलियन इंडेक्सिंग कर सकते हो तो अब यहाँ पे आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो डेटा फ्रेम से यूजिंग बुलियन इंडेक्सिंग ओके ओके okay. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे इंपोर्ट पांडास एस पी डी पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे पांडास के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए राइट right? देन आपने डिक्शनरी को क्रिएट किया है ओके डिक्शनरी हैविंग की वैल्यू पेयर्स तो हमारी यहाँ पे की नेम है और उसकी वैल्यूज़ क्या है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ठीक है हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज एज अ लिस्ट दे दिया इसमें रोहन शर्मा जी अरोड़ा अमित भारद्वाज फिर अगेन हमारे पास की एज है और उसकी वैल्यूज़ है नाइनटीन ट्वेंटी एटीन फाइन ये आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है अब आपको क्या करना है डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पांडास के डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास कर देंगे फाइन तो डेटा फ्रेम क्या करेगा डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा और आप नेक्स्ट पैरामीटर क्या दोगे इंडेक्स पैरामीटर यहाँ पे आप खुद से दोगे क्योंकि आपको क्या देना है आपको बुलियन वैल्यूज देनी है इंडेक्स के अंदर तो आपने एज अ लिस्ट आपने क्या दिया बुलियन वेक्टर इस दे दिया है इंडेक्स को ट्रू फॉल्स ट्रू फाइन ओके डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा जो डीएफ uh, वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा तो सिंपली आपने क्या किया प्रिंट करा दिया को जो आपका डेटा फ्रेम है राइट right? अब देखो यहां पे आपकी इंडेक्स वैल्यू क्या है ट्रू ट्रू फॉल्स बुलियन इन द फॉर्म ऑफ बुलियन वेक्टर ओके और आपका ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है यहाँ पे की जो की वैल्यूज थी वो क्या बन गई है कॉलम का नेम फाइन नेम एंड एज कॉलम का नेम बन गया है और जो उनकी वैल्यूज थी वो आपका कॉलम का डेटा बन गया डेटा वैल्यूज ओके ओके नो वी कैन एक्सेस द डेटा फ्रेम बाय पासिंग बोलियंस टू द मेथड लॉक एंड आई लॉक अब हम क्या करेंगे डेटा फ्रेम से डेटा को एक्सेस करेंगे ओके बाय पासिंग बुलियंस बाय पासिंग बुलियन वैल्यूज टू द लॉक फंक्शन एंड आई लॉक फंक्शंस फाइन क्योंकि हमारे पास इंडेक्स uh, वैल्यू किस फॉर्म में बुलियन फॉर्म में है तो आप इसके लॉक एंड आई लॉक फंक्शन में इंडेक्स वैल्यूज को पास करते हो तो ये किस फॉर्म में पास करोगे बुलियन फॉर्म में पास करोगे फाइन एक्सेसिंग डेटा फ्रेम यूजिंग लॉक फंक्शन अब लॉक फंक्शन के अंदर आप आप रो लेबल या कॉलम लेबल, रो नेम आपने क्या दिया प्रिंटीएफा तो okay? वो, वो वो क्या हो जाएगी एक्सेस हो जाएगी और डिस्प्ले हो जाएगी क्योंकि हम डिस्प्ले इसलिए क्योंकि हम प्रिंट कमांड यहाँ पे दे रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे फर्स्ट जो रो थी रोहन शर्मा वो आपकी डिस्प्ले होगी एंड सेकेंड रो अमित भाजवा ये डिस्प्ले हो गई है फाइन ओके ट्रू था आ, इंडेक्स वैल्यू वहां, वहां का डेटा डिस्प्ले हो गया ओके ओके नेक्स्ट एक्सेसिंग डेटा यूजिंग आई लॉक फंक्शन आई लॉक फंक्शन की क्या कंडीशन होती है कि आप इसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही पास कर सकते हो राइट right? तो यहाँ पे आपने क्या दिया प्रिंट कमांड दिया df.iloc फंक्शन डेटा फ्रेम का iloc फंक्शन उसमें आपने पास कर दिया 1 1 क्या है इंडेक्स वैल्यू है ओके okay? क्योंकि इसमें हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो का इंडेक्स 1 है सेकंड का सॉरी फर्स्ट रो का इंडेक्स 0 है सेकंड का 1 है और आपका इसका 2 है तो uh, कौन सी आपकी रो uh, आप यहां पे एक्सेस होगी ये वाली zrroda n बुलियन वैल्यूज okay? so नहीं लेगा फाइन यहाँ पे आपने वन पास किया है तो आपकी ये वाली आगे देखो आउटपुट में आ गया जी आरोपी ओके Another way to use boolean index is to directly pass the boolean vector to the data frame. अब यहाँ पे क्या है हम data frame के अंदर directly boolean values को भी pass कर सकते हैं boolean vector को pass कर सकते हैं। It will print all the rows with the value true. अब boolean vector जब आप pass करोगे तो उसके अंदर जितनी जहाँ जहाँ true value होगी वो वो record क्या हो जाएगा access हो जाएगा और display हो जाएगा fine okay. Now we can pass the boolean vector to the data frame to access the data. Okay यहाँ पे देखो आपने print दिया जिससे वो आपका आउटपुट प्रिंट हो जाए डी एफ डीएफ के अंदर आपने एज बुलियन वेक्टर को पास कर दिया है ओके okay, आपका फर्स्ट जो है ट्रू है तो फर्स्ट जो रिकॉर्ड है उसके लिए आपका ट्रू आया तो ये आपका डिस्प्ले करेगा सेकेंड रिकॉर्ड के लिए ट्रू आपने पास किया है वो डिस्प्ले करेगा थर्ड के लिए आपने फोर्स किया है तो ये वाला आपका पास नहीं करेगा फाइन तो यू कैन सी योर सेल्फ यहाँ पे आपका फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया और सेकेंड रिकॉर्ड आ गया है ओके अब नेक्स्ट कमांड देखो डीएफ में आपने फर्स्ट ट्रू दिया है तो फर्स्ट वाला आ जाएगा रोहन शर्मा सेकेंड आपने फोर्स दिया है तो जिया अरोड़ा नहीं आएगा थर्ड आपने ट्रू दिया है तो अमित भारद्वाज ये भी आपका डिस्प्ले कर जाएगा अमित भारद्वाज ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा बट इट्स अमित भारद्वाज ओके तो यहाँ पे जो आपने बुलियन वेक्टर डेटा फ्रेम के अंदर पास किया है वहाँ जहां जहां ट्रू होगा वो वो रिकॉर्ड्स आपके एक्सेस हो जाएंगे फाइन okay children now we will meet in next uh, video with next useful topic all the best for your exams keep studying be happy be safe and subscribe my channel for more useful videos thank you